तो शुरू करें। सभी दोस्तों को, सभी प्यारी टीम को जो आज इस क्राउन सेलिब्रेशन शो में हिस्सा बने हुए हैं, सभी को मैं अवधेश नारायण ब्लैक डायमंड नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्राउन सेलिब्रेशन शो के अंदर में। आप सभी फाइटर्स जो अब तक इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं, दोस्तों बिना देर किए हुए इस प्रोग्राम को आप शेयर करना शुरू कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लिंक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम का लाभ उठा पाएं। का सेलिब्रेशन होने वाला है। हर एक इंसान अपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सपना देखता है कि वो करोड़पति बनेगा, वो डायमंड बनेगा, वो अचीवमेंट हासिल करेगा। और दोस्तों, वो दिन है, वो समय है, वो आज एक ऐसा दिन है उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने का, उस अचीवमेंट को, उन खुशियों को लोगों से शेयर करने का, जहाँ से ज़्यादा लोगों तक ये अचीवमेंट्स पहुँचे और इन अचीवमेंट्स को, इन सक्सेस को लेकर या देखकर, इनकी बातों को सुनकर बहुत सारे लोग भी इस सेलिब्रेशन को आने वाले समय में अपने लेवल पे सेलिब्रेट करें। वो भी क्राउन डायमंड बने, वो भी डायमंड बने, वो भी ब्लू डायमंड बने, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आज इस शो के अंदर आपको डायमंड्स को भी सुनने का मौका मिलेगा, ब्लू डायमंड्स को भी सुनने का मौका मिलेगा, ब्लैक डायमंड को भी सुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ हम बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम सब के गुरु मिस्टर शिव कुमार सर और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महानायक का जो अवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय के अंदर एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। और दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर का नाम गर्व के साथ लिया जाता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उस महागुरु महिपाल सर का भी आशीर्वाद हम सभी को मिलने वाला है। तो कोई भी फाइटर्स, कोई भी नया व्यक्ति जो इस आज सेमिनार को देख रहा है, मैं 100% ये अपनी तरफ से कमिटमेंट करता हूँ कि अगर आपने मात्र 45 मिनट या 1 घंटे हमारे साथ जुड़ के इस सेलिब्रेशन को देखा, तो सिर्फ यह एक सेलिब्रेशन नहीं होगा, आपकी जीवन को बदल के रख देने वाला एक प्रोग्राम होने वाला है। तो बिना देर किए हुए मैं अनुरोध करूंगा, जितने भी लोग अभी भी इस सेमिनार का हिस्सा बने हैं, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लिंक को शेयर करें और इसका फायदा हम सभी को मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शेयरिंग शुरू कर चुके होंगे। आप सभी अपने अपने शहरों का नाम जरूर बॉक्स में डालें, अपने मोबाइल नंबर डालें, सभी को हेलो करें, जिससे हमें भी पता चलते रहे कि कौन कौन आज हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं। आप अपना परिचय जरूर चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर जरूर लिखते रहें। जैसे जैसे हमारे डायमंड्स आएँ, आप जरूर उनका वेलकम और स्वागत करें। दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर आज हमें मिला हुआ है हमारे गुरुजनों के माध्यम से, और मैं चाहता हूं कि इसका हम भरपूर प्रयोग करके अपने बिजनेस को बढ़ाने में अपना 100% पूरी ताकत लगाएं, जोर लगाएं। आज समय है बहुत कुछ सीखने का, आज समय है खुशियों को सेलिब्रेट करने का। तो मैं ज़्यादा देर आपके और उन अचीवर्स के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। थोड़ा सा मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम अवधेश नारायण है। एसली पीएस वेलनेस में वर्तमान में मैं ब्लैक डायमंड लेवल पे कार्यरत हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैं कॉमन फैमिली से बिलोंग करता हूं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां पे सिर्फ जिंदगी कैसे चलाई जा सके इसके बारे में सोचा जाता रहा है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं दोस्तों, तो मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम मैंने किया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं पढ़ाई के दौर में ही आ गया था जब, और इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था। 2016 से लेके 2013 तक मैंने इस इंडस्ट्री को अपना समय दिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म के पर मैं जब काम कर रहा था तो उसमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से 5 साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो सफलता, वो उम्मीदें, वो सपने जो मेरे पूरे नहीं हो पाए। और मुझे ये एहसास हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, रियल में पूरे नहीं होते, पैसे उल्टा घर से लग जाया करते हैं, सक्सेस नहीं आती। ये मेरे दिमाग में 100% बैठ चुका था और मैंने डिसीजन ले लिया था 2013 के अंदर कि इस इंडस्ट्री में दोबारा मुझे कदम नहीं रखना है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ईश्वर का कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दोबारा देखने का अवसर दिया। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सबसे बड़ा धन्यवाद मिस्टर महिपाल सर का, जिन्होंने अपने एक था, उसके अंदर एक उम्मीद की किरण असली पीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म ने जगाई, गुरुदेव ने जगाई, और उसका नतीजा रहा कि आज बहुत कम समय के अंदर एक बड़ी अचीवमेंट। लेकिन मैं आज बहुत ही ज्यादा अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि जिस सेलिब्रेशन शो का आप हिस्सा बने हुए हैं, जिनका आज ये शो के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है, अचीवमेंट्स हो रही है, मैं डायरेक्ट उनकी गाइडलाइन में काम करता हूँ। मुझे पहले दिन से उनका आशीर्वाद प्राप्त है, पहले दिन से उनका मार्गदर्शन प्राप्त है, पहले दिन से मैं उनके साथ जुड़ के रहा, चाहे बस का सफर हो, ट्रेन का सफर हो, बाइक का सफर हो, कार का सफर हो, हर सफर मैंने उनके साथ तय किया है। मैंने उनको ग्राउंड लेवल से देखा है, जब वो बाइक से सफर किया करते, दोस्तों एक पैशन बाइक सर के पास हुआ करती थी और उस बाइक पे हम लोग साथ में जाके फॉलोअप, रिफॉलोअप और प्लान किया करते थे। और वो आज का दिन भी मैं देखता हूँ जब सर के चलने के लिए ब्रांड जैगुआर कार सर के पास है, फॉर्च्यूनर जैसी कार सर के पास है। मैं सर को ऐसे वक्त में भी देखा था जब वो एक 5,000-6,000 रुपए की रेंट पे लेके शाम को आके वापस अपने यहाँ खाना बना के खुद खाया करते थे। और एक आज जिंदगी है जहाँ एक आलीशान फ्लैट के अंदर में सर रहते हैं। दोस्तों, ये बदलाव मैंने होते हुए देखा है जिंदगी में, और सर की जिंदगी में पर्सनली तो मैंने देखा ही है, और खुद की जिंदगी में इतना ज्यादा बदलाव हो चुका है कि जहाँ हम मिडिल क्लास फैमिली से, नॉन टैलेंटेड क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग लाख रुपए महीने के बारे में सोच नहीं हासिल कर पाते थे, आज इस बिजनेस से मात्र 3.5 सालों के अंदर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट मुझे असली पीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म से हासिल हो चुकी है। अगर मैं इसका सारा श्रेय देना चाहूँ तो इसमें सभी का श्रेय है। सबसे बड़ा श्रेय जो है वो है महिपाल सर, शिव कुमार सर, अमित दुबे सर, साथ ही साथ कंपनी के प्लेटफॉर्म का, अच्छे प्रोडक्ट का, अच्छे सिस्टम का। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद ये अचीवमेंट आज मेरे पास नहीं होती। और सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो मेरी टीम का है। इतनी प्यारी टीम मुझे असली पीएस में मिली कि इतने कम समय के अंदर मैं यहाँ तक पहुंच पाया। दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी बदौलत आज ये अवधेश नारायण कंपनी में ब्लैक डायमंड लेवल को हासिल कर चुका है। मैं पुनः आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इस क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन शो का हिस्सा बना हूं। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे फाइटर्स कई दिन से, जब से अनाउंस हुआ है कि ये सेलिब्रेशन शो होने वाला है, वो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि कब गुरुदेव का आशीर्वाद और क्राउन डायमंड हम कैसे बन सकते हैं, इसकी जानकारी हम सभी को हासिल होगी। तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों, अब इस सेलिब्रेशन शो की हम शुरुआत करते हैं। और अब इस पैनल पे मैं बहुत जल्दी ही कॉल करने जा रहा हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनको मोटिवेशन के बारे में अगर बात करूं तो अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने भी व्यक्ति जा रहा होगा ना और उनसे मिल ले तो अपना डिसीजन चेंज कर लेगा। कोई व्यक्ति अगर घोर नेगेटिव होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में तो 100% पॉजिटिव हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर क्विट करने के बारे में छोड़ रहा होगा तो 100% पॉजिटिव होकर काम करने लगेगा। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी सिर्फ कुछ वर्ड सुन लेने मात्र से, कुछ शब्द सुन लेने मात्र से अवधेश नारायण अगर आज ब्लैक डायमंड बन सकता है तो यहाँ जितने भी लोग YouTube के माध्यम से इस सेमिनार को, इस शो को, इस सेलिब्रेशन को देख रहे हैं, मैं 100% ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने दिल से इन बातों को अपने अंदर बसाया तो आप एक दिन ब्लैक डायमंड बनेंगे और करोड़पति लेवल को हासिल करेंगे। तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए मैं मंच पे, इस पैनल पे आमंत्रित करता हूँ हम सबके गुरुदेव, हम सबके मार्गदर्शक, Mr. Shiv Kumar sir. Please sir, welcome on the panel. बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। सबसे पहले हमारे सभी एसलीपीएस फाइटर्स, सभी देशवासियों को शिव कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग आज इस क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं। मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसलीपीएस के रचयिता। अगर आज देखा जाए तो आज के समय में वो एक इंसान के रूप में एक भगवान के जैसे लोगों के साथ खड़े हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कंपनी एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर को। इसके बाद हमारे कंपनी टॉप ट्रेनर मिस्टर अनिल कुरी सर को और हम सभी के आइडियल, हम सभी के रोल मॉडल। अगर देखा जाए तो आज एसलीपीएस प्लेटफॉर्म आज इंडिया का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है। आज एसलीपीएस कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे ग्रोइंग कंपनी है और यहाँ तक पहुँचाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो हमारे आइडियल महिपाल सर का रहा है। मैं सर को ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरी पूरी प्यारी टीम मिस्टर अमित दुबे सर, अवधेश सर, अनुज सर, मदन लाल सर, नसीब सर और पूरे एसलीपीएस फाइटर्स जिन्होंने दिन रात एक किया है और आज एसलीपीएस में लगातार करोड़पति बनाते जा रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। डियर फ्रेंड्स, जितने भी एसलीपीएस फाइटर्स और डायरेक्ट सेलर्स हमें सुन रहे हैं, आज हमारा क्राउन डायमंड महोत्सव करने का आज जो सबसे बड़ा मोटो रहा है कि अप्रैल मंथ में अगर अभी देखा जाए तो देश में लॉकडाउन लगा हुआ है अलग अलग स्टेट के अंदर और इस समय भी एसलीपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जिन लोगों ने अपने कैरियर को लगाया, अपने भविष्य को लगाया, आज लॉकडाउन में भी आज अपने डायमंड रैंक को अचीव किए हैं, ब्लू डायमंड को अचीव किए हैं और यहाँ पर अप्रैल मंथ के अंदर हमारे क्राउन डायमंड बने। तो एक बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर बहुत विकट कंडीशन है उस समय भी एसलीपीएस में लगातार अचीवर बनते जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में आज हमने क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन किया है जहाँ पर आपको हमारे डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राउन डायमंड और हमारे कंपनी फर्स्ट एम्बेसडर से मिलने का मौका मिलेगा और इनको सुनने का, समझने का मौका मिलेगा और एसलीपीएस के विजन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा देर बाधा ना बनते हुए इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को कॉल करना चाहूँगा जिनकी बात किया जाए तो आज उनके मार्गदर्शन में चलते हुए इंडिया में आज लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। आज लाखों ऐसे यंग स्टार हैं, ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो सर की तरह बनना चाहते हैं, जो सर के मार्गदर्शन में चलते हैं और आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में अगर सबसे बड़ा रोल है तो उस पर्सनालिटी का है। तो अब मैं सर को कॉल करना चाहूँगा और सभी देशवासियों, सभी एसलीपीएस फाइटर्स से मेरी गुजारिश है कि मैं सर को कॉल कर रहा हूँ तो जहाँ पर भी हैं सर का तालियों से स्वागत करें। सो प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए मैं अपने गुरु, अपने रोल मॉडल महिपाल सर को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार शिव कुमार सर और पैनल के ऊपर हमारे साथ जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, और लीडर्स नहीं बोलूंगा, जितने भी अचीवर बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले एक महीने के टाइम के अंदर बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है और वो लोग आज अचीवर हैं और उन्होंने किसी भी परिस्थितियों से ऊपर निकल के और अपने काम को जारी रखते हुए सुरक्षा के साथ एक नया मुकाम हासिल किया है। उन सभी को मेरा नमस्कार, स्पेशली नमस्कार। मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मेरा आज सौभाग्य है कि आप सब लोगों से ऑनलाइन रूबरू होने का मौका मिल रहा है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ। दोस्तों ये सबसे पहली मैं बात बताना चाहूँ तो जिंदगी के अंदर हर प्लेटफॉर्म की ताकत होती है कि इंसान को व्हाट्सएप पे दो लोगों से, यूट्यूब पे दो लोगों से, फेसबुक पे एक दो लोगों से मुलाकात भी करा सकता है और अगर आपका प्लेटफॉर्म दमदार हो तो हजारों लोगों से मुलाकात भी करा सकता है और लाखों लोगों से मुलाकात भी करा सकता है। आज का जो हमारा ये क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन है, ये आप यकीन मानिए लाखों लोगों तक जाएगा, लाखों लोग देखेंगे और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी लोग देखेंगे उनकी जिंदगी में बेहतरीन परिवर्तन आएंगे। वो लोग अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किएंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक पिछले एक महीने के जितने अचीवर हैं उन सबके एक्सपीरियंस, सबके अनुभव और सबके अचीवमेंट आपको सुनने का मौका मिलेगा। मैं सिर्फ ये ही कह सकता हूं कि आज परिस्थितियां कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी में जब कोई भी चीज आती है तो हर इंसान उसको दो तरीके से देखता है। एक इंसान किसी चीज को परेशानी के रूप में देखता है और एक इंसान उसी चीज को बड़े अचीवमेंट के रूप में देखता है। दोस्तों ये लॉकडाउन हमारे लिए एक अचीवमेंट के रूप में है क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज इतने सारे लोगों से, हजारों लोगों से मिलने के लिए शायद हमें इतने बड़े हॉल की जरूरत पड़ती और इतना हॉल बहुत कम शहर है जहाँ पे बड़े बड़े हॉल नहीं है, 5000, 10,000, 15,000 लोगों के हॉल नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है तो जाने के लिए टाइम चाहिए कई घंटे का और आने के लिए टाइम चाहिए, एक शहर में शो करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम हमें निकालना पड़ता है। लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आज हम अपने घर पे बैठ के और आप सारे लोग भी बिना नई ड्रेस बनवाए, बिना कोई अपने ऊपर खर्चा किए, बिना टाइम निकाले, अपने घर में जिस कंडीशन में जैसे भी हैं उसी कंडीशन में बैठ के आप इस शो को पूरा का पूरा रूबरू हो रहे हैं और इसमें सीख रहे हैं। हो सकता है जब लॉकडाउन होता तो सारे लोगों से डायरेक्टली इतना नजदीकी से बात नहीं कर पाते, लॉकडाउन नहीं था तो, लेकिन अब लोगों को मौका मिल रहा है। दोस्तों इस कंटिन्यू हम शुरुआत करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपकी टीम के सारे लोग ज्वाइन हो चुके होंगे और अगर ज्वाइन नहीं भी किया है तो आप लिंक को शेयर कर दीजिएगा, वो लोग ज्वाइन करते रहेंगे लेकिन हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं आप सबके साथ की वजह से। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसी अचीवर को और जिसने अपनी जिंदगी में कुछ अलग हटके और बेहतरीन किया है उसको स्टेज पे कॉल करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कॉल करूंगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि हर आदमी जिंदगी में एक अचीवर आदमी से मिलना चाहता है, कामयाब लोगों से मिलना चाहता है और उनके साथ रूबरू होना चाहता है, उनके विचार सुनना चाहता है। आप जरूर उनको विचार सुनने दें, ये उनकी मेहनत है कि वह डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने और क्राउन डायमंड बने। लेकिन एक चीज कही जाती है कि ऊपर वाला जिंदगी में खुशियां और अचीवमेंट उन्हीं की होली में जल्दी डालता है जो दूसरों की खुशियां, दूसरों की कामयाबी और दूसरों की सक्सेस के अंदर ज्यादा खुश होते हैं। तो आप सारे लोगों के लिए मौका है आज अपनी खुशी जाहिर करने का और हम लोग खुशी जाहिर करने के लिए और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं कि जिस भी डायमंड को मैं कॉल करूं आप अपने पास से एक कंग्रेचुलेसन लिख के आप उनको विश कर सकते हैं, आप उनको बधाई दे सकते हैं क्योंकि ये कंग्रेचुलेसन बहुत दूर तक जाएगा और आपके लिए भी कई लोगों का, कई लाखों लोगों का कंग्रेचुलेसन आपके लिए आएगा। तो दोस्तों आज इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं आप और हम सारे लोग मिलके और आज मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं हमारे ऐसे ही एक डायमंड लीडर। क्योंकि दोस्तों डायमंड क्या है? डायमंड एक आदमी ही है, ऐसा नहीं है कि डायमंड बनने के बाद आदमी की शक्ल बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, नाम बदल जाता है, कुछ भी नहीं है, वही है। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी कोई भी हो, जब भी कोई इंसान ज्वाइन करता है तो हर आदमी का एक सपना रहता है और वो एक सपना रहता है कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर डायमंड सीप अचीव करनी है और मेरे नाम के आगे, मेरी कंपनी के साथ, मेरी टीम के साथ और मेरे अपलाइनों के बीच में मुझे डायमंड का खिताब लगाना है। और दोस्तों ये डायमंड एक ऐसी चीज है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है और असली पीएस वेलनेस का डायमंड क्या कमाता है, क्या अचीवमेंट लेता है, उसकी जिंदगी में क्या क्या आ सकता है, वो उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। और मैं आज बताऊं कि वाराणसी से जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, अवधेश सर ने, अमित सर ने, शिव कुमार सर ने, तब लोगों को धीरे धीरे लाना शुरू किया था। कुछ लोगों ने भरोसा किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने नजरअंदाज किया, कुछ लोग आए और उन्हीं में से जो साथ दिया और शुरुआत करने की कोशिश की। आज मैं आप सबके बीच, आप सबके कंग्रेचुलेशन के साथ, बधाई के साथ मैं कॉल करूंगा हमारे नए डायमंड मिस्टर जयदेव जी को। जयदेव जी, आप आए पैनल पे और लोगों के साथ अपने विचार साझा करें कि कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे और आप अगला मुकाम कब तक लेने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर जयदेव जी। गुरुदेव प्रणाम, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम, आप सभी दोस्तों को, जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। गुरुदेव, अपने लाइफ में नेटवर्किंग जैसा शब्द बहुत पहले लाइफ में आ गया था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। गुरुदेव, मैं बताऊं आप सभी दोस्तों के सामने कि मैं किसान का बेटा हूं और मुझे बस ये था कि तैयारी करना है, पढ़ना है, नौकरी करना है। इससे ज़्यादा ख्वाब नहीं थे, ना सपने थे। मैं रोज़ पैदल, कभी साइकिल से स्कूल आया जाया करता था। उसी बीच किसी ने मुझे बोला था नेटवर्किंग में सन 2006 में, 27 नवंबर 2006 में, कि आप पार्ट टाइम कोई काम कर लो, पढ़ाई खर्च निकलेगा, पॉकेट जॉब हो जाएगा, अच्छा है। मैंने बोला अगर ऐसा हो जाएगा तो और अच्छा है। मैंने शुरुआत कर लिया और कब मेरे लाइफ के पार्ट टाइम से फुल टाइम, फुल टाइम से कैरियर हो गया, नेटवर्किंग पता नहीं चला, लाइफ से 10 साल चले गए थे। लेकिन जो मैंने डायमंड का ख्वाब देखा था, सपना देखा था, वो पूरे नहीं हो पाए। मैं अपने आप को मैनेज करने में, परिवार को मैनेज करने में काफ़ी माइनस में हो गया था। गुरुदेव, अगर सच्चाई से अवगत कराएं तो मुझे नहीं लगा था कि जयदेव डायमंड के लिए बनाया, सफलता के लिए बनाया, तुम्हें डायमंड मिल सकती है। और दोस्तों मैं बताऊं कि नेटवर्किंग में निराश होकर छोड़ दिया था। मुझे नहीं लगा था कि जयदेव कभी सफल हो पाएगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा था और मेरे घर में पैसे नहीं था। तो मेरे पिताजी ने मेरे जिद पे 10,000 की भैंस बेच के मुझे दिया था, मैंने नेटवर्किंग ज्वाइन किया था। और जब मैं लास्ट में छोड़ रहा था कंपनी, उसमें मैं काफ़ी दुखी फील कर रहा था, क्योंकि मेरी जो बाइक थी वो बिक चुकी थी, मेरी जो कार थी वो बिक चुकी थी, और मैं अपना मुँह छिपाए फिरता था, समाज को दिखा नहीं सकता था। लोग बोलते थे नेटवर्किंग में करोड़पति बनने चला है, और आज खुद ही लाइफ में कर्जे में हो गया, फेल हो गया, लोगों का करियर, अपना करियर खराब कर लिया। मैं मजबूरी में सेल्स की दुनिया में था, लेकिन मुझे लगा कि लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है, सेल्स करके हो सकता है। 18 महीने मैंने प्लाट बेचा है और वहां से कुछ पैसे मैंने अर्न किया, लेकिन वो जो सम्मान था, जो इज्जत था, जो शोहरत था, जो सुकून था, वो रियल एस्टेट में नहीं था। अचानक से कहा जाता है जहाँ मन में चाह है वहाँ राह मिल जाता है। हमारे जो आज गुरु जी हैं, कभी हमारे दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने मैसेंजर से, फेसबुक से हाई बाय किया, मेरा नंबर निकाला और मुझे उन्होंने कॉल किया और मैंने अपना हालात बताया। उन्होंने बोला सर एक बार आ जाओ, मिल लेते हैं। बोला ठीक सर, आएंगे तो जरूर मिलेंगे। थोड़ा आने में जरूर लेट हुआ, 1 महीना, लेकिन जैसे मैं लखनऊ से आया, मैं गाजीपुर, वाराणसी जाके मैं सर से मिला और सर ने मुझे अपने महागुरु से मिलाया था, शिव कुमार सर ने। मुझे लगातार सर ने गाइड किया, फॉलो किया और मुझे बिजनेस समझ में आया। मैं 2 चीज़ों से इस बिजनेस को ज्वाइन कर गया। पहला, जब मैं नेटवर्किंग छोड़ चुका था तो मेरी मैडम ने बोला था कि मैं सुना हूं कि आप 50,000 महीने कमाते हैं, कार चलते हैं, और मुझे भी वो स्टेज दिखाए जहां हजारों लोग आपके इकट्ठा होते हैं, कैसा मीटिंग होता है, कैसा सेमिनार होता है। मेरे पास उस दिन कोई शब्द नहीं था। मैं खाना तो खा रहा था, लेकिन मैं अपना मुँह नीचे करके खा लिया था, क्योंकि मैं नेटवर्किंग छोड़ा था, मैडम को बताया नहीं था। मुझे लगा था कि अब वो दिन नहीं आएगा लाइफ में, इसके सपनों को मैं पूरा कर पाऊंगा। लेकिन जैसे सर ने मुझे प्लान दिखाया, समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ से हो सकता है कि उसकी ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। और सर का साथ मुझे पहले से ही पसंद था, इसलिए सर का जिससे मेरा साथ मिला, मैंने हाँ बोल दिया। सर बहुत कॉन्फिडेंस से मुझे गारंटी दिए थे कि जयदेव जी, जहाँ 10 साल मेहनत की, कुछ नहीं हो पाया, केवल आप मेरे साथ 6 महीने काम करो, आप जितना सोचेंगे उतना कमा जाओगे, गारंटी देता हूँ, स्टाम्प पे लिखवा ले जाओ, नहीं कमाओगे पैसा डबल करके दूंगा। सैल्यूट है सर आपकी उस गारंटी पे, मेरा भरोसा जम गया, मैंने शुरुआत कर लिया। और सर आज मैं बताऊं, भले शुरुआत में उतार चढ़ाव आए, लगातार मैंने मेहनत किया और आज मुझे 3.5 वर्ष असली पियस वेलनेस कंपनी में हुआ है। 3.5 साल में जो मैंने बाइनरी बोनस, टू ट्रेवल रिवार्ड, क्वार्टरली रिपर्चेज मिला के मैंने कमाया साहब, वो 80 लाख रुपये मैंने कमाया है। अभी इस मंथ मेरा डायमंड क्लियर हुआ है। डायमंड पर मेरा जो चेक बना है, वो चेक आज 12,40,000 का मैंने क्वालिफाई किया है। आज लॉकडाउन जैसे हालात में हमारे सभी भाई बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन उस लॉकडाउन जैसे हालात में भी 2 लाख महीने पे मैं हूँ। आज 40,000, 50,000 हफ्ते के मेरे चेक उठते हैं। धन्यवाद आप सभी को दूंगा, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम बोलूंगा और अपने बहुत प्यारी सी टीम जो हिंदुस्तान के अंदर है, उनको धन्यवाद बोलूंगा। अगर ये संभव हो पाया, जहाँ 10 साल में अपने सीनियर को, जूनियर को वैल्यू नहीं दिया करता था, ये 3.5 साल में चमत्कार इसलिए हो गया कि लगातार मैंने गाइडलाइन फॉलो किया, जिससे हमारे गुरु जी लोग बोलते गए, मैं दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया, सर लोग की बात माना, जैसे सर लोग कहते गए मैं वैसा करता गया। आज उनका परिणाम है कि जो मैं कर्जे वाली लाइफ में था, वो 10 लाख के कर्जे में भर के आज खुशहाल लाइफ जी रहा हूँ, परिवार भी खुशहाल है, मैं भी मस्त लाइफ जी रहा हूँ। धन्यवाद गुरुदेव आपका, धन्यवाद अपनी पूरी टीम का और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। जयदेव जी आपको बहुत बहुत बधाई हो इस शानदार अचीवमेंट के लिए। और दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक आम इंसान असली पीएस वेलनेस जैसा प्लेटफॉर्म को पाके इतने कम समय के अंदर 80 लाख रुपए कमा सकता है, एक महीने के अंदर चेक तकरीबन 12-15 लाख रुपए का ले सकता है। उसके बाद भी आज इन्होंने बताया कि मैं 40 से 50 हजार रुपये हफ्ता कमाता हूँ, 2 लाख से ज्यादा का एवरेज आता है। ऐसा ही जयदेव जी, लेकिन मैं आपको बताऊं और करेक्शन करूं कि असली पीएस वेलनेस में जो आदमी जितना वीकली कमाता है, हमारा बोनस और मैचिंग इनकम मिला के उससे डबल हो जाता है। आज आप 4 लाख से ज्यादा महीना कमा रहे हो और सारे लोग आपको देख रहे हैं। दोस्तों इसी श्रेणी में मैं एक और बहुत ही दमदार डायमंड से आपको मिलवाता हूं और मैं आपको बताऊं कि उनके साथ एक खास रिश्ता है मेरा। और एक छोटा सा 60 सेकंड की एक स्टोरी शेयर करता हूं आपको। जब शिव कुमार सर असली पीएस वेलनेस में मेरे साथ आए थे और कैसे सक्सेस मिलती है, भरोसा कितनी बड़ी चीज होती है और कैसे कैसे होता है आप देखिएगा। तो हम लोगों ने वाराणसी में मीटिंग की, सब जगह मीटिंग की और उसके बाद में जब सारे दिन मीटिंग की और पहले पूरे दिन और रात मीटिंग की, उसके बाद अगली बार हम वाराणसी से शिव कुमार सर के फोर्ट पेस था, उस टाइम शिव कुमार सर के पास एक गाड़ी हुआ करती थी और उससे हम फरुखाबाद के लिए निकले। जब फरुखाबाद के लिए निकले तो रात को हम चलते चलते वाराणसी से फरुखाबाद की काफी लंबी दूरी थी और आई थिंक मैं जिन डायमंड्स को यहाँ पे आपके बीच में ला रहा हूँ उनको भी शायद याद दिला रहा हूँ कि हम उनके यहाँ पे तकरीबन रात को 3:30 बजे के आसपास 4 बजे पहुंचे। मतलब पूरी रात गाड़ी चला के पूरे दिन गाड़ी चला के 3:30-4 बजे हम लोग उनके यहाँ पे पहुंचे। जब 3:30-4 बजे हम वहाँ पे पहुंचे तो पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लेट हो गए, लेकिन क्या पता प्लान दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन उस टाइम शेड्यूल इतना बिजी था कि हमने रात को इनकी टीम, राजू जी की टीम है जिनके साथ हमने 3:30 से लेकर 6:30 बजे तक प्लान किया, 3-4 घंटे तक पूरा प्लान दिखाया सबको, मैंने और शिव कुमार सर ने समझाया और हम तकरीबन फरुखाबाद से 7 बजे वापस निकल गए। और गुड न्यूज भी है और अच्छी न्यूज नहीं भी है कि राजू जी को हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन ये लोग ये नहीं आए हमारे साथ। हमारी जो मेहनत थी वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बेकार चली गई। हम लोग इतने पूरी रात घूमने गए और आए और परेशान रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ और ये मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि जिंदगी में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इस बात को आप लिख लेना। मेहनत का रिजल्ट आता है, किसी को आज आता है तो किसी को कल, लेकिन आपकी की हुई मेहनत का रिजल्ट हमेशा आता है। और दोस्तों उसी श्रेणी में कुछ समय के बाद राजू जी ने हमारे साथ शुरुआत की और राजू जी स्पेशली साउथ की साइड से रहने वाले हैं। और एक दूसरी बात इनके बारे में मैं खास बात बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब लोग आते हैं, और ये आप लोगों के लिए काम की भी चीज है, कई लोग बोलते हैं गाड़ी लेंगे, कई लोग बोलते हैं जॉब छोड़ेंगे, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ बड़ा तब करेंगे जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, तब ज्यादा भरोसा होगा, जब ज्यादा बिलीव लेवल हमारा बड़ा होगा, जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, जब आपका बिलीव लेवल बड़ा होगा, जब आपका विश्वास बड़ा होगा, तो आपका बिजनेस बड़ा होगा, ये बात आप याद रखिएगा। और ऐसा ही हुआ। पास्ट कंपनी में होम और राजू जी साथ में थे और तकरीबन मैं आपको बताऊं कि नाम मात्र मतलब 4-5 हजार रुपए की इनकम इन्होंने कमाई थी और 4-5 हजार रुपए की इनकम के ऊपर इन्होंने सरकारी नौकरियों को छोड़ के, मतलब इनको छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता, अपने आप में सोच के देखिएगा 4-5 हजार रुपए की इनकम होती क्या है। और उसके ऊपर एक आदमी सरकारी जॉब को छोड़कर, वो भी अपने शहर में नहीं, साउथ का रहने वाला एक आदमी यूपी के अंदर रहकर अपनी नौकरी को दरकिनार करके और फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। और ये हमारे साथ आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन उसके बाद भी इनकी स्पीड इतनी बढ़िया थी कि आज इसको कवर कर चुके हैं। और दोस्तों मैं स्पेशली इनसे पर्सनली मैं खुद मोटिवेट हूँ और मुझे लगता है कि आप इनको सुनेंगे तो आप खुद इनसे मोटिवेट होंगे और हम सब लोग इनको सिर्फ कंग्रेचुलेसन ही बोल सकते हैं। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है और हम चाहते हैं कि राजू जी आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। मैं पैनल पे कॉल कर रहा हूँ मिस्टर राजू जी को, आप आएँ और अपनी स्टोरी और अपने विचार और अपना अचीवमेंट और अपना एक्सपीरियंस जरूर लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बड़ा बिजनेस हो सके और वो लोग भी आगे बढ़ सके। प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। पहली बात तो वो दिन याद दिला के आप आंसू दिला रहे हैं। वो दिन टुकरा के मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ी गलती की है। सबसे पहले तो मैं सारे गुरुजनों को धन्यवाद करता हूँ, महिपाल सर, शिव कुमार सर, दुबे सर और विकास गुरु जी को, जिनकी वजह से आज इतने सारे साथियों के सामने और पूरी आज हिंदुस्तान के सामने मुझे बोलने का मौका मिला है। दोस्तों, माई सेल्फ राजू, मैं हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करता हूं और मैं भी पहले आर्मी में सर्विस करता था और फर्स्ट टाइम मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विकास गुरुजी की वजह से आया था और एक ही चीज देखा था कि गुरुजी, उस समय मैंने देखा है कि मैं क्लर्क की नौकरी पे हूँ, तो जब गुरुजी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये सोच के मैं आ तो गया था। बट जैसे जैसे मैंने महिपाल सर की ट्रेनिंग और शिव कुमार सर की ट्रेनिंग अटेंड की है तो मुझे बहुत बड़ा विजन मिला। उस विजन के साथ एक बहुत बड़ी भरोसा हुआ और भरोसे के साथ मैंने फिर काम करना शुरू कर दिया। और काम करने के बाद एक बार ऐसा भी समस्या आई थी सामने कि कोई ना कोई लीडर को डिसीजन लेने की जरूरत थी। तो उस समय मतलब बिलीव लेवल इतने ज्यादा था, सिर्फ भगवान से प्रार्थना किया और एकदम मैंने, जैसे गुरुजी ने कहा कि मात्र 5,000 की इनकम पे मैंने अपनी सरकारी नौकरी 11 साल की और बिना किसी सोचे समझे मैंने बस डिसीजन ले लिया था कि मुझे इतना भरोसा था मेरे गुरुओं पे और अप्लायंस पे और सिस्टम पे, प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जैसे आया था, आने के बाद काम भी किया और मेहनत भी किया। सिर्फ एक ही चीज सोचता था, क्योंकि मैं साउथ इंडिया का रहने वाला हूँ, तो यूपी में फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा जानने पहचानने वाले कोई नहीं थे और ना मेरा भाषा था, और तो मुझे किसके पीछे जाऊं, किसको कहूं, कैसे कहूं, समझ में नहीं आता था। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता था हर समय, क्योंकि गुरुओं ने इतना कुछ सिखाया था, इतनी कॉन्फिडेंस दी अंदर कि हर समय मुझे एक ही चीज ऐसा महसूस होता था कि भगवान एक आदमी दिला दे, बस एक आदमी के पीछे लिस्ट बनवा के मैं बहुत बड़ा, मतलब एक बार हाथी का पूंछ मिल जाए मैं पूरे हाथी को निकाल लूंगा, बस इतनी कॉन्फिडेंस थी। तो दोस्तों, मैंने काम भी किया, मेहनत भी किया, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आता है, तो ये तो बिजनेस है। तो एक बार ऐसा भी परेशानी आ गई थी, समस्या आ गई थी कि मैं बिल्कुल ही धराशायी हो गया था, डिप्रेशन में चले गया था, पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया था। और उस समय मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत भरोसा दिलाया और वापस भी बुलाया, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के सर के ऊपर शनि नाचता है तो आदमी अच्छे अच्छे रास्ते भटक लेता है। तो मैंने उस समय रास्ता भटक गया था और मैं डिप्रेशन होके घर पे चले गया। तो दोस्तों, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सच्चाई है, ये मेरी फैक्ट है। ये जब मैं घर पे गया था तो मेरे भाई की शादी हो रही थी और उस समय उल्टा मेरे को भाई की शादी में कुछ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा उसके पैसों से मेरे परिवार के कपड़े, मैंने अपने कपड़े खरीदे और इवन मेरी बच्ची की चॉकलेट खरीदने के लिए भी मेरे मदर के पर्स से 10 रुपए निकाल के उनसे रिक्वेस्ट करके उसे चॉकलेट दिया था। उस दिन मैंने सोच लिया था, राजू तू तो गया, मतलब तेरी भविष्य खत्म हो गई है, तेरा तो अभी रास्ता सामने मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ नौकरी भी चली गई और दूसरी तरफ बिजनेस भी नहीं था। लेकिन थैंक्स गॉड, उस समय मैं मंदिर में जाके शाम के टाइम पे जरूर बैठता था, तो शायद भगवान ने मेरी गुहार सुन ली या क्या हुआ, तो विकास गुरुजी का कॉल आया अचानक और उन्होंने लगातार मुझे समझाया। तो 3 दिन मैं उनसे भी बहस करता रहा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर का विश्वास टूट चुका था, क्योंकि कहते हैं ना कि एक इंसान मन के हारे हार और मन के जीते जीत, एक बार अगर इंसान अंदर से टूट गया, अंदर से हार गया, तो उसको फिर कहीं भी जीतना चाहो तो भी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ था। मैंने बार बार गुरुजी से कह रहा था, गुरुजी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे से सब कुछ खत्म है, मैं कहीं पे भी ना मैं किसी को समझा पाऊंगा, ना मैं मोटिवेट कर पाऊंगा, मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा। और मेरे घर वालों का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था कि मैं दोबारा इस काम के प्रति बिल्कुल ना सोचूं। 3 दिन बहस के बाद गुरुजी को गुस्सा आया, विकास गुरुजी को, और उन्होंने लास्ट में एक ही बात कही, बोला राजू जी मुझे तो लग रहा है कि आपने अपने ऊपर भरोसा तो खो दिया, लेकिन अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो बताओ। मैंने कहा हाँ सर, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, तो फिर चलो फटाफट रिजर्वेशन कराता हूँ, आप आ जाओ। तो गुरुजी ने अपने पैसों से रिजर्वेशन कराया। तो दोस्तों, मैंने घर वालों को, आज शायद मेरे परिवार वालों को भी मैंने ये लिंक भेजा है, वो भी मेरे को देख रहे हैं, और आज परिवार वालों के सामने वो मैंने वहां झूठ बोला था, आज उनके सामने खुल रही है। मैं उनको झूठ बोल के आया था कि दिल्ली में नौकरी करने जा रहा हूँ, मैं 15,000 रुपए में महीना भेजूंगा, और ये बोल के आया था। और गुरुजी के साथ पहुंचा, महादेव हमारे शिव कुमार सर से मुलाकात हुई, फिर गुरुदेव अमित सर से मुलाकात हुई, प्लान सुना, फिर दोबारा मैंने डिसीजन ली और फिर काम करने की स्टार्ट किया। तो दोस्तों, उस समय कोई भी मेरे साथ देने के लिए रेडी नहीं था और फरुखाबाद में काम तो कर रहे थे बट साथ कोई नहीं दे रहा था। उस समय फिर गुरुजी ने अचानक एक दिन मेरे से कहा कि, बोला राजू जी उठो और तुरंत एक काम करो, कानपुर निकल जाओ। ना मेरी कोई पहचान, कानपुर में तो कोई जानने पहचान में सिंगल आदमी नहीं, मैं फिर भी गुरुजी की बात पे, क्योंकि मैं हमेशा दोस्तों मेरे नाम में ही हनुमान जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो मैंने हमेशा एक ही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा है। और मैं आप सब लोगों को भी मेरे स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों चाहे कितनी भी आप पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो एक गुरु को मान लो और उनकी बातों को एग्जैक्ट फॉलो कर लो। बस उसमें इफ एंड बट बिल्कुल कुछ भी मत लगाना, दिमाग लगाने का कोई काम ही नहीं है, दिल से फॉलो कर लेना। 100% सक्सेस आज नहीं तो कल आपको जरूर मिल जाएगी। मैंने उनकी बात पे तुरंत कानपुर आया और कानपुर में जानने पहचानने वाला सिंगल आदमी भी नहीं। आज मेरे बहुत सारे कानपुर के फाइटर्स मेरे को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो दोस्तों कानपुर आके मैंने अनजान में ही काम शुरू किया। एक लेडीज को लेके मैंने स्टार्ट किया, सुमन कटियार, और उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ा। बहुत मुश्किलें आई शुरुआत में, बहुत ज्यादा मुझे दौड़ भाग भी करना पड़ता था, कोई लोग सुनते नहीं थे, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से। मैं आज भी कई बार दिल में सोचता हूँ और कई मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में संजीव सर को तो पूजा करना चाहिए कि ऐसे महान आदमी, इन्होंने इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट जो बनाया था, उस प्रोडक्ट की रिजल्ट की वजह से आज मेरा यूजर गैलरी पे शुरुआत में मेरा पैर जमे थे यहाँ पे कानपुर में। फिर धीरे धीरे हमने बिजनेस पे फोकस किया, गुरुजी की गाइडलाइंस पे काम किया। दोस्तों पता ही नहीं लगा, एक समय ऐसा था कि पैसे के लिए बहुत लाले पड़ते थे, मतलब खाने का भी नसीब नहीं होता था, खाना भी खुद भी बनाता था, कई बार खाने को मिलता भी नहीं था। लेकिन आज पैसे की समस्या तो जिंदगी से बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि आज एक महीने में मैं आप सब लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होंगे, तो दोस्तों मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं जस्ट 12th पास हूँ और 12th पास होते हुए भी आज इस बिजनेस पे, आज इस प्लेटफॉर्म के बदौलत, आज हमारे गुरुजनों की बदौलत, आज मेरी प्यारी सी टीम की बदौलत, आज मैं यहाँ पे एक महीने के लगभग 3 से 3.25 लाख रुपए महीना मैं यहाँ से कमाता हूँ। और आज गुरुजी की वजह से आज मात्र लगभग यहाँ पे 3 साल की समय में मैंने यहाँ पे लगभग 65 लाख से भी ज्यादा का अर्निंग ले चुका हूँ दोस्तों। और आज मेरी अपनी खुद की गाड़ी, जहाँ पे एक कटारा बाइक थी मेरे पास, उस बाइक से लेके मैंने कानपुर आया था, उसी पे मैंने काम किया, बहुत लोगों ने मुझे देखा। लेकिन आज जहाँ पे बिल्कुल जीरो पे था, कोई एक तरफ से पीछे से, कोई बैकग्राउंड भी नहीं है इतनी ज्यादा, ना कोई प्रॉपर्टी है, कहीं पे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने दम पे सिर्फ इस बिजनेस की और इस प्लेटफॉर्म की ही ताकत है और गुरुजनों की गाइडलाइन की ही ताकत है कि आज मैंने अपनी पसंदीदा पहला ड्रीम कार 10 लाख की बलेनो कार मैंने यहाँ से ली। और देश विदेश की यात्रा की बात करते हैं तो आज थाईलैंड की यात्रा, दुबई, वो भी विद फैमिली, फैमिली को भी घुमा के। ये बात भी मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों के साथ शायद ये प्रॉब्लम आते होंगे। जब मैंने डिसीजन लिया था नौकरी छोड़ने के, तो सबसे ज्यादा मेरे ससुराल वाले मेरे खिलाफ हो गए थे, क्योंकि हमने, उन्होंने सोचा है कि बोला एक तो फौजी को हमने शादी कराया, ये इसने फौज की नौकरी छोड़ दी। तो बहुत ज्यादा मेरी वैल्यू डाउन हो गए थे और मेरे परिवार वाले भी मेरे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा ताने मार रहे थे। लेकिन दोस्तों आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से, आज संजीव सर की और गुरुजनों की वजह से, आज मैंने वापस मेरी जो सम्मान है, जो मेरी वैल्यू है, वो मैंने दोबारा कमा पाया हूँ। और आज जीरो से, मतलब आज अपनी फैमिली को जब दुबई घुमाया तो उसके परिवार वाले भी मान गए कि वाकई मेरी बेटी आज विदेश घूम के आई, उन्हें भी बहुत खुशी मिली। तो दोस्तों ये सब चीजें ख्वाब नहीं है, सपने नहीं है, ये हकीकत है। और ये सपने सारे अगर पूरे हो पाए तो इसका रीजन, मैं तो ये एक ही बात कहूंगा, इसका रीजन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में एसली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनी ना आज तक आई, ना कभी आएगी। तो दोस्तों ऐसी प्लेटफॉर्म में मैंने डिसीजन लिया और आपका डिसीजन की वजह से आपकी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ पे मेरी जिंदगी बदली है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरे सारे गुरुजनों को और मेरी सारी प्यारी सी टीम को। आज जितने भी साथी हमारे हमको देख रहे हैं, मैं सबको भी धन्यवाद करूंगा। कहीं ना कहीं आप लोगों की श्रेय की वजह से और मेरी बहुत प्यारी सी टीम की वजह से आज जो भी सम्मान, जो भी शोहरत, जो भी समय, पैसा, जो भी कमा रहा हूँ, सब आप लोगों की बदौलत है। दोस्तों मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे इतनी मौका दिया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है गुरुजी, और मैं दोबारा माफी मांगता हूं आपको कि मैंने सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाया। लेकिन गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे तो बहुत तेजी से खींच दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई हो राजू सर। और आपकी गलती क्या है ना, माफ नभी हम नहीं करेंगे, हम माफ उस दिन करेंगे जब आप लग्जरी गाड़ी लोगे। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लग्जरी गाड़ी दें। और दोस्तों हम सबकी तरफ से राजू सर को बहुत बहुत बधाई। और अगली श्रेणी में मैं आपको फिर एक हमारे डायमंड से मिलवाता हूँ और आप उनसे मिलने के बाद, उनके विचार सुनने के बाद आपको जरूर ऐसा लगेगा कि आप सारे लोग ही डायमंड बन सकते हैं। क्योंकि इसी तरह से उन्होंने भी विकेट परिस्थिति से आके और अपना एक मुकाम अलग हासिल किया है, बनाया। तो रांची से वो आते हैं और पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए बता रहा हूँ कि आज हर हिंदुस्तान के कोने कोने के सारे लीडर हैं जो अचीवमेंट ले रहे हैं। तो हमारे न्यू डायमंड मिस्टर दीपक साहू जी, प्लीज वेलकम। आप सभी लोग हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई दीपक सर के लिए। कंग्रेचुलेशन अगेन दीपक सर, वेलकम। जी धन्यवाद। आप सारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस कंपनी को बनाए, मिस्टर संजीव कुमार सर। आज पूरे हिंदुस्तान को एक छत के नीचे बांध के रख दिए। उसके बाद हमारे टॉप ट्रेनर मिस्टर अनिल कुरी सर और हम सभी के गुरुजी, महागुरुजी मिस्टर महिपाल सर, जिसके कारण आज दो शब्द यहाँ पर बोलने का मुझे मौका मिला है और पल पल जो हौसला दिए हैं वो हमारे सिस्टम के महागुरुजी मिस्टर शिव कुमार सर और सभी के मेंटर, एक आइडियल, सबके दिलों के धड़कन हमारे मिस्टर अमित गुरुजी, जिन्होंने पल पल गाइडलाइन हम लोगों को किए और जिसके वजह से आज ये यहाँ पर अचीवमेंट हो पाई है। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ज्ञानेंद्र शर्मा सर को, जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म मिली। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी प्यारी सी टीम को, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसलिए कोटि कोटि सभी को नमस्कार। दोस्तों, नाम दीपक कुमार, असली पियस वेलनेस डायमंड। दोस्तों, ये सफर की शुरुआत तो नहीं हुई थी हमारी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल अनजान था। दोस्तों, पैसे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर, जिंदगी मजे से चल रही थी और इसी बीच हमारे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होती है और बताते हैं हम लोग की हालचाल होती है और पूछते हैं क्या ये सब करते हुए आपकी लाइफ बहुत अच्छी से चल जाएगी। मैंने एक ही जवाब दिया, सर चली तो रही है और कैसी चलेगी। बोले दोस्त, इससे और बढ़िया लाइफ जीना चाहते हैं तो 1 घंटे की समय निकालनी पड़ेगी। मैंने उस चीज को समझा और समझने के बाद मुझे लगा कि यार मैंने 12 साल समय यहाँ तो दे दिया, अगर सर ऐसी बातें कर रहे हैं और विश्वास तो मैं नहीं करता, लेकिन एक ही वजह थी कि सर ने एक चीज बताई जो मुझे दिल को छू गया। दोस्तों, आज जॉब के लिए सारे लोग तरसते हैं और आज उस समय सर ने जॉब को फिट किया था, ड्रेस में मुझे मिले थे, मुझे विश्वास कभी नहीं हो रही थी। देखने के बाद लगा कि एक इंसान वर्दी पे है, जहाँ से बहुत अच्छी 30 से 40 हजार की अर्निंग हो रही है, वो जॉब को क्विट करके आज फुल टाइम एज ए करियर सिस्टम को अपना चुके हैं। तो शायद इनकी बातों की इग्नोर नहीं करनी चाहिए। मैंने शुरुआत किया, समझने के बाद सफर को शुरुआत किया और 2 साल चला। 2 साल चलते चलते चलते, इससे पिछले की सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, वैसा नहीं समझ में आया जो मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन जस्ट इसके बाद इस सिस्टम में एंट्री हुई और एंट्री हुई तो ऐसा लगा कि यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। आज 4 साल समथिंग यहाँ से हो रहे हैं। 4 साल की लाइफ में बहुत सारी उतार चढ़ाव आए। हमारे गुरुजी लोगों ने संतानों देते गए कि दीपक सर, लाइफ में चेंजमेंट आने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने उसको एक्सेप्ट किया, जैसे जैसे गुरुजी लोगों ने बताया उसको फॉलो किया और शायद इसका ये वजह है कि आज असली पियस वेलनेस में 4 साल में डायमंड रैंक पे यहाँ पर उभर के आया हूँ। दोस्तों, एक एक ऐसी रातें हुई करती थी जहाँ पर हम लोग 3 लोग मिलकर के चाय बासा गए थे। ठंड की समय थी और ठंड में वो रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने काटा था, बिल्कुल बिना चादर गमछे की। दोस्तों, आज वो दिन भी याद आता है, वो दिन क्या थी और आज का दिन क्या है। दोस्तों, मजा आती है तब, क्योंकि वो पिछले दिन को जब आज याद आती है। दोस्तों, आज उसमें से हमारे लोग हैं यहाँ पर सुन रहे हैं कि हमने किसके साथ में वैसी वैसी रातें गुजारी है। दोस्तों, समय बहुत कम मिली है, लेकिन एक ही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अभी ये तो डायमंड रैंक हुई है। मुझे हौसला ये नहीं मिलता है, मुझे हौसला तो वो मिलता है कि जब महिपाल गुरु जी का एक 60,50,000 की चेक आई थी, मुझे फेसबुक में मैं जब प्रमोट किया था, किसी ने कॉल कर दिया कि क्या दोस्त रियली में चेक आता भी है। मैंने बोला चैलेंज के साथ, अगर आपको स्टेटमेंट देखना है मैं दिखा सकता हूँ। उसके बाद वो चेक मुझे हौसला दिया। उसके बाद जस्ट कुछ दिन के बाद एक चेक आई 94,50,000 रुपया। दोस्तों, ये हौसला मुझे आई कि अगर सर का 94,50,000 रुपए आ सकती है। तो ये दीपक अगर टिका रहेगा तो एक दिन वो चेक हमारे अकाउंट में भी आएगी। दोस्तों फिर कुछ दिन बीती और 1,51,00,000 की चेक फिर से 1,51,50,000 की एक चेक फिर से आई। इतनी बड़ी हौसला मिली कि अगर हमारे गुरुजी लोगों का ये सारी अचीवमेंट हो रही है तो मैं भी टिका रहूंगा और ये चेक हमारी भी आएगी। दोस्तों बीच में उतार चढ़ाव काफी हुए, लड़खड़ाया भी, लेकिन हमारे मेंटर गुरुजी एक आइडियल है जिन्होंने मुझे पल पल भरोसा दिलाया कि दीपक सर बहुत सारी उतार चढ़ाव आएगी लेकिन आपको उसे झेलनी पड़ेगी। दोस्तों लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि हर किसी का एक डायरेक्ट सेलिंग में एक सपना होता है डायमंड बनना, और आज बहुत सारे ऐसे सेक्टर में लोग हैं जो 10 साल नहीं 20 साल करके और उसी सफर को तय कर रहे हैं। कुछ चेंजमेंट नहीं हो पाई है, लेकिन मात्र एक असली पीएस वेलनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आज बहुत ही कम समय में इस उपलब्धि को हासिल किया जा सकता है। और इसका एक ही श्रेय जाता है कि जबरदस्त प्रोडक्ट के रिजल्ट, जबरदस्त पे आउट और बहुत जबरदस्त एजुकेशन। ये सबसे बड़ी चीज है कि अपलाइन की गाइडलाइन, ये सारे चीज हमारे पास एक नंबर की है, जिसके कारण आज हमारे इंडिया में पूरी ऑल ओवर इंडिया में हमारे मिस्टर संजीव कुमार सर ने एक छत के नीचे सारे को बांध कर रखा है। दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है फिर जीने में, तूफान में थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। थैंक यू गुरुदेव, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दो शब्द बोलने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दीपक सर बहुत बहुत बधाई हो और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और हम चाहते हैं कि जल्दी आपको हम सारे लोग पूरा हिंदुस्तान और पूरे असली पीएस वेलनेस फाइटर ब्लू डायमंड के रूप में देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है उन सब की उम्मीदों पर आप खड़े उतरेंगे। दोस्तों इसी श्रेणी में मैं आपको एक और बहुत ही दमदार से, बहुत ही शानदार से और बहुत ही जबरदस्त डायमंड से मिलवाता हूँ, जिन्होंने रियली बिजनेस की शुरुआत काफी समय बाद में की, लेकिन उन्होंने बहुत ही फास्ट इस बिजनेस को किया है, और ना उनके साथ में उम्र आई, बहुत ही कम उम्र के हैं, और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम उम्र का एक लीडर अचीवर बन जाए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम सारे लोग मिलके अगेन कॉल करते हैं बिहार से मिस्टर कौशल कुमार जी को। कौशल जी आप आए और अपना एक्सपीरियंस और अपना अचीवमेंट जरूर लोगों के साथ शेयर करें। कौशल सर प्लीज वेलकम। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे अमित गुरुदेव, हमारे शिव कुमार सर, विकास सर, महिपाल सर, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे साथी इस पैनल पे हैं उनको नमस्कार, और जितने भी व्यूअर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से उन सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और इतने बड़े पैनल पे मुझे आने का मौका मिला है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों नाम कौशल कुमार हुआ और मैं बिहार औरंगाबाद के एक छोटे से गांव ममका से बिलोंग करता हूं, और इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले मैं भी एमबीए का पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते हुए सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन वो सपने कहीं से भी पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, और पढ़ाई करते हुए ही एक दिन मेरे जिंदगी में ऐसा आया जब AWPL का कॉन्सेप्ट मिला, और मुझे जो इस कॉन्सेप्ट में लाने वाले हैं वो मिस्टर शिव कुमार सर और मिस्टर अमित दुबे सर हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से प्लेटफॉर्म मिला, और जब प्लेटफॉर्म मिला था तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि मैं इतना बड़ा यहाँ पे काम करूंगा, कभी लाखों रुपए हफ्ते का इनकम करूंगा, और 0% विश्वास के साथ मैं इस कॉन्सेप्ट में आया था। और कॉन्सेप्ट में जब आया था और मैं लोगों से कॉन्सेप्ट के बारे में शेयर करता था तो लोग बोलते थे यार तू इतना पढ़ा लिखा है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों करता है। लेकिन मैं जो सिस्टम ने बताया उस सिस्टम को फॉलो करते हुए कंटिन्यू प्लेटफॉर्म को करते गया, जहां दोस्त मेरे साथ 6 महीने तक 10 लोगों का नेटवर्क नहीं बना था, उस सिस्टम को करते हुए 1 साल में मेरे साथ 100 लोगों का नेटवर्क था। अगले साल यही नेटवर्क 1000 में कन्वर्ट हुआ, और 2.5 साल के अंदर दोस्त अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में आज 20,000 से ज्यादा लोग मेरे से कदम मिला के काम करते हैं। जहां पे दोस्त हमने शुरुआत किया था इस कॉन्सेप्ट की, वहां से 1,000 रुपए के चेक के साथ शुरुआत किया था, वहां पे 1,000 भी आया, 10,000 भी आया, लाख भी आया, हफ्ते का 1.5 लाख भी आया, हफ्ते का 2.5 लाख भी आया। और दोस्त पिछले महीने में अगर मैं बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो मैं इनकम को क्वालिफाई किया हूं वो एक हफ्ते का 12,40,000 रुपए के लिए क्वालिफाई किया, एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। जहां मैं पढ़ाई करते हुए सोचता था कि अगर लाख रुपए में महीना कमाने लगा तो मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा किंग बन जाऊंगा, वहां दोस्त इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से पिछले महीने का अगर मैं पे आउट आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो 10 लाख से ज्यादा का अचीवमेंट मेरे पास आया दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जहां पे हम लोग शुरुआत किए थे, कभी एक ड्रीम होता था, एक छोटे छोटे रेस्टोरेंट में हम लोग बर्थडे में पार्टी करते थे, और वहां हिंदुस्तानी वर्ल्ड के बड़े बड़े 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाते हैं। जहाँ पे ड्रीम होता था दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर घूमने का, वहां असली पेस के माध्यम से थाईलैंड, दुबई जैसे देश घूमने का मौका मिला है। अभी कोरोना की वजह से मलेशिया और मालदीव का ट्रिप पेंडिंग है। जहां हमने शुरुआत किया था वहां पे एक बाइक लेना अपना ड्रीम होता था। जब मैं एमबीए कर रहा था तो मेरे पास एक छोटी सी बाइक थी। इस कॉन्सेप्ट को करते हुए हमने 6 महीना में पहला बाइक लिया था FZ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 1 से 1.5 साल के बाद, हमने 9 लाख का कार डिजायर अचीव किया दोस्त। बहुत जल्द इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने महागुरु जी लोग के आशीर्वाद से 1 करोड़ की जगुआर लेने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता है, सिस्टम नहीं होता, तो आज भी मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के किसी शहर में 50, 60, 70 हजार की जॉब करते रहता। आज एक कॉन्सेप्ट की पावर है जहां पे पर मंथ मेरा एवरेज इनकम 6 से 7 लाख रुपए का आता है दोस्त। 6-7 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं। वैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे शख्स हैं जो कि 6 से 7 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन उस शख्स के लिए बहुत बड़ी बात है जो एक किसान परिवार से बिलोंग करता है, जो आज से 2.5 साल पहले पढ़ाई कर रहा था, कहीं 50-60 हजार की जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, आज इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इतनी बड़ी अचीवमेंट ले रहा है दोस्त। आज कॉन्सेप्ट की, प्लेटफॉर्म की पावर की बात करूं तो आज जब मैं अपनी गुरुजनों की तरफ देखता हूं, तो जब वो 1-1 हफ्ते का 1.5 करोड़ रुपए के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो मैं बहुत ही बौना अपने आप को महसूस करता हूं। और दोस्त बहुत जल्द ऐसा होगा जब कौशल कुमार के भी अकाउंट में 1.5 करोड़ का चेक के लिए क्वालिफाई करूंगा और 1.5 करोड़ का भी चेक आएगा। यहाँ से जहां हमने शुरुआत किया था वहां पे हमारा ड्रीम होता था कि 40-50 हजार रुपए महीना कमाए दोस्त। आज विजन इतना बड़ा हो चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया नहीं, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हम लोग रिकॉर्ड मिलकर तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ब्रेकर हमारे अप्लाई ने और पूरे इंडस्ट्री में हजारों करोड़ रुपए कमाने के ड्रीम के साथ हम लोग आए हैं और हजारों करोड़ रुपए कमाएंगे। जहां जगवार की बात कर रहा हूँ दोस्त, एक दिन डायरेक्ट सेलिंग से हमारे अपलाइन और हम लोग मिलकर, आप सभी लोग का साथ मिला, तो हम लोग हेलीकॉप्टर और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बड़े बड़े जेट विमान से भी घूमने के हम लोग ड्रीम रखते हैं और रखते नहीं है दोस्त। एक दिन पूरा करेंगे। इतने बड़ी विजन के साथ हम लोग ये चीज को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। जहां दोस्त दुनिया आज लॉकडाउन में पैसे के लिए तरस रही है, वहां दोस्त मैं बोल सकता हूं कि हमारे असली पेस फाइटर के जितने भी डायमंड है, जितने भी अचीवर है, उनके पास दोस्त पैसे बरस रही हैं। और ये चीज मैं स्टेटमेंट के साथ आप लोग के सामने पेश कर सकता हूं। आज दोस्त ये इंडस्ट्री को छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग चाहे तो करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ आप विश्वास करना कि आप कमा सकते हैं। जैसे हमने 2.5 साल पहले इस कॉन्सेप्ट में विश्वास करके आया था और आज इस लेवल तक पहुंचा हूं दोस्त। आने वाला फ्यूचर हमारा होगा, हमारे असली पेस का होगा। हमारा मोटो है दोस्त कि घर घर में बीमारी। आज कोरोना की वजह से आप देख सकते हैं कि देश में कैसी स्थिति है। घर घर में बीमारी है, घर घर में मौतें हो रही है, लॉकडाउन लगा है दोस्त। हम जब लोगों की मौत होते देखते हैं तो दिल में बहुत तड़प होती है कि इन लोगों को बचाया जाए। हम लोग लोगों को इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करें। हमारी जो संस्था है वो शहर शहर जाके लोगों को फिट द नीडी कैंप चल रहा है, फाउंडेशन के माध्यम से आज लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। आज समाज सेवा करने का मौका हम लोग को मिला हुआ है सिर्फ और सिर्फ असली पेस के वजह से। अगर दोस्त एक प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज हम लोग एक छोटी सी लाइफ जीते होते, आज इतना कुछ नहीं होता दोस्त। अभी तो हमने शुरुआत किया है। हम बोल सकते हैं कि ये दोस्त अभी तो झांकी है, असली पिक्चर अभी भी बाकी है। कि हम क्योंकि जब भी हम अपने गुरुदेव जन की तरफ देखते हैं तो लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी 20 यानी दोस्त आने वाला फ्यूचर में ये टीम 2 लाख का भी होगा, 2 करोड़ का भी होगा और हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के हर शहर में अपना बिजनेस होगा और अपने तरीके से हम लोग बिजनेस को करते रहेंगे। लास्ट में दोस्त एक ही चीज बताऊंगा, हिम्मत बुलंद है, अपनी पर्वत की चाह रखते हैं। हम कदमों तले जमी तो क्या, हम आसमां गिरा सकते हैं दोस्त। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कौशल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार अचीवमेंट के लिए और बहुत कम टाइम में जो अचीवमेंट लिया दोस्तों। इसी श्रेणी में मैं आपको अगले 1 डायमंड और हैं जिनसे मिलाता हूँ। और खास बात यह है कि दोनों लोग आपस में भाई हैं और दोनों का कंपटीशन ये रहता है कि पहले ब्लू डायमंड कौन बनेगा। तो इसी श्रेणी में हम आगे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं कौशल जी के बड़े भाई और डायमंड लीडर मिस्टर प्रभात सर से। प्लीज वेलकम प्रभात सर। थैंक यू गुरुदेव। आज के क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन में आए हुए हमारे दोनों गुरुदेव मिस्टर शिव कुमार सर का कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि अगर सर का साथ नहीं होता तो शायद आज प्रभात कुमार किसी अनजान गलियों में भटक रहा होता। इसके एवं हमारे महागुरु जी मिस्टर महिपाल सर को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि सर का गाइडलाइन हमें हमेशा मिलता रहा और सर के गाइडलाइन का ये कमाल है कि हमने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट लिया। इसमें और कई लोगों का भी बहुत योगदान है, जैसे कि कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुरी सर, जिनका ट्रेनिंग देखकर हम लोग इस बिजनेस को सीखा और ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया और आज सक्सेस लिया। मिस्टर अनिल कुरी सर के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। एवं इस कंपनी के रचयिता, इस कंपनी को बनाने वाले हमारे ग्रेट एमडी, ग्रेट सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर को कोटि कोटि प्रणाम। अगर गुरुदेव आप इस प्लेटफॉर्म को नहीं बनाए होते तो हो सकता था कि आज ये लाखों लोग जो यहाँ से अचीवमेंट ले रहे हैं वो यहाँ से अचीवमेंट नहीं ले पाते। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा और मैं जो भी शेयर करूंगा ये बिल्कुल दिल से और रियल स्टोरी है। मेरा जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले के एक छोटा सा गाँव है मामका, वहां हुआ था। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ था और मेरा पढ़ाई लिखाई बाजू के ही एक छोटे से कस्बे में स्टार्ट हुआ। जैसा कि सभी का सपना होता है, सभी का ड्रीम होता है कि एक सरकारी नौकरी करना है, और शायद मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि 2000 में मेरा सिलेक्शन आर्मी के लिए हो गया। शुरुआत में दिन बहुत मजे से चल रहा था, लेकिन जैसे ही शादी वगैरह हुआ मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जो इनकम वहां आ रहा है कहीं ना कहीं उस इनकम से हम अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से नहीं चला सकते हैं। उसी दौरान 2011 में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारे जिंदगी में आया, हमने ज्वाइन किया कलकत्ता में और काम करना स्टार्ट किया। शुरुआत बहुत ही धमाकेदार और शानदार रहा, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन कुछ न कुछ उस प्लेटफॉर्म में कमियों की बदौलत हमने ये देखा कि हम लोगों का रैंक तो बढ़ता जा रहा है, टीम की गिनती तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अचीवमेंट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। जो अचीवमेंट पहले आ रहा था वही अचीवमेंट कहीं ना कहीं बाद में आ रहा था। और इन्हीं परिस्थितियों के कारण एक वक्त ऐसा भी आया कि हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बोल सकते हो कि एक तरीके से संन्यास ले लिया। लेकिन दिल में एक शुरुआत से ही अरमान था कि चाहे जो भी हो जाए 17 ईयर ही सर्विस करेंगे, इससे ज्यादा सर्विस नहीं करेंगे, चाहे बाहर जाकर जो भी करना पड़े। इसी दौरान हमने वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया और मुझे रिटायरमेंट मिल गया। ये बात है 2018 दिसंबर की। जब बाहर आया, बाहर आने के बाद जब बाहर की कंडीशन देखा तो डिसीजन लेना आसान नहीं था दोस्त, लेकिन 1 मंथ अपनी पेंशन डॉक्यूमेंट बनाने के बाद फरवरी 2019 में एसली पीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आया। एसली पीएस में काम करना उस समय मेरे लिए, इसमें डिसीजन लेना कि एसली पीएस को फुल टाइम करें, इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं 1 मंथ एसलीपीएस को किया था, मैं जब गवर्नमेंट जॉब में ही था, तो जैसे ही मेरा रिटायरमेंट सेंक्शन हुआ था मैंने एनओसी ले लिया था और एनओसी लेकर आईबीपीएस का टेस्ट दिया था। जैसे ही एसलीपीएस में 1 मंथ पूरा हुआ मेरा आईबीपीएस से सिलेक्शन भी आ गया। उस समय डिसीजन वाकई मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ वापस से गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलने वाला था, और आप लोगों को भी पता होगा कि अगर बैंकिंग सेक्टर में पे सिक्योरिटी सिस्टम लागू होता है, अगर आप पिछले किसी गवर्नमेंट जॉब से आते हैं और बैंकिंग को ज्वाइन करते हैं तो पिछले बेसिक से 1 इंक्रीमेंट आप पेमेंट के साथ आपकी सैलरी स्टार्ट होता है। जिंदगी कट सकता था दोस्त, क्योंकि आराम से बैंकिंग से 75,000 सैलरी मिल जाना था मुझे, बाकी आर्मी वाली 35,000 पेंशन मिलता है, 1,10,000 जिंदगी काटने के लिए बहुत होता है। लेकिन फिर उस समय डिसीजन लेने की बारी था। हमने अपने दिल से पूछा कि प्रभात क्या करना चाहिए, और मेरे दिल ने जो जवाब दिया उसी के बेस पर आज मैं एसलीपीएस में हूं। सबसे पहले मैंने पूछा कि करना क्या चाहिए, वो 3 ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर मैंने डिसीजन लिया। पहला पॉइंट ये था कि मेरा दिल ने बोला कि प्रभात तुमने जो बड़े बड़े सपने देखे थे कि एक दिन आएगा कि ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर की सवारी करना है, उस सपनों का क्या होगा? क्या तुम बैंक में जॉब करोगे तो उस वो सपना पूरा कर सकते हो? दूसरी चीज मुझे ये उस समय दिल में आया कि डायरेक्ट सेलिंग वाकई ये पोटेंशियल रखता है कि अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 साल समय दिया जाए तो पूरी जिंदगी टाइम देने की जरूरत नहीं है दोस्त। एक तरफ 5 साल समय देने की जरूरत है और दूसरे तरफ जब तक 60 साल की एज पूरा नहीं होगा तब तक बैंक में जाकर घिसने की जरूरत है। भागना तो पड़ेगा ही, चाहे डिसीजन खुद लेना था मुझे कि मैं 5 साल भागू या 60 साल की एज तक भागू। तीसरा पॉइंट था मेरे दिमाग में उस समय कि जो कष्ट, तकलीफ और मुश्किलें हमने अपने बचपन में देखा है, अगर वही मुश्किल कष्ट और तकलीफ हमारे आने वाली पीढ़ियां भी देखे तो तुझे इस जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रहता है और तुम जिंदगी में वैसा कोई कर्म नहीं किया जो तुझे महान बनाएगा। जब मैं इन तीनों चीजों को देखा तो मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि चाहे जो भी हो, चाहे आने वाला वक्त कैसा भी गुजरे, हो सकता है कि शुरुआत में मुश्किल और तकलीफों का सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी हो, मैं असली पियस वेलनेस के प्लेटफॉर्म पर अपना 5 साल का समय दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाना पड़े। जब असली पियस वेलनेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आया तो हमारे गुरुजी शिव कुमार सर ने एक ही चीज बताया कि सर कुछ नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है, आपको टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस करना है, लगातार टारगेट को क्रैक करना है। हमने सिर्फ उसी काम पर फोकस किया और आज दोस्तों मैं बात करूं, जिस दिन असली पियस वेलनेस को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 26 मंथ हुआ था, मैं असली पियस वेलनेस में एक फ्रेशर से डायमंड बन चुका था। अगर टोटल अचीवमेंट की बात किया जाए दोस्त तो यहाँ पर 65 लाख की अचीवमेंट है और मंथली इनकम की बात किया जाए तो आज किसी भी मंथ में 5 से 6 लाख रुपए से कम की इनकम नहीं होता है। अगर मैं पिछले एक मंथ की इनकम की बात करूं दोस्त तो आज 14 लाख रुपए की इनकम है। मैं जब पेंशन भी आया था 18 साल नौकरी करके तो मुझे 19 लाख रुपए मिला था। तो आज आप समझ सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म कितना दमदार है, ये हमारे लीडरशिप इतना दमदार है। अगर इस पर सिर्फ भरोसा कर लिया जाए तो जिंदगी वाकई बदल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं, आप अपनी चाहतों के मुताबिक पैसा कमाते हो। अगर आप जिंदगी में चाहो तो मंथली यहां से 50,000 भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, 5 लाख भी कमा सकते हो और 50 लाख भी कमा सकते हो। बस आपकी चाहते होना चाहिए और चाहतों को पूरा करने के लिए आपका कमिटमेंट आपके साथ होना चाहिए। मुझे एक चीज और इस प्लेटफॉर्म से समझ आ गया था कि अमीर आदमी को तो पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली अगर जिंदगी में करोड़पति बनना चाहता है और जिंदगी में बिग अचीवर बनना चाहता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग और असली पियस वेलनेस से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज जब मैं स्टार्ट किया था उस समय मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर अपने दोस्तों से जो आर्मी वाले फ्रेंड्स थे, बोला करते थे सर आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके अंदर टैलेंट है, आप बैंक की जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, आप भी ये जोड़ने जुड़ने वाले धंधे में लग गए। मैंने एक ही चीज उनको शुरुआत में बोला था दोस्त, दुनिया तो तोड़ कर पैसा कमाता है, हम तो लोगों को जोड़ कर पैसा कमाते हैं, इसमें कमी कहाँ है। और आज इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत, जहां पर 2 साल पहले टीवीएस स्पोर्ट बाइक से इस बिजनेस की शुरुआत किया था, जैसे ही 8 मंथ कंप्लीट हुआ मैं बलेनो टॉप मॉडल में आ गया था और अगला ड्रीम कार इसी मंथ लेने का पूरा इरादा था दोस्त। मैं बता देना चाहता हूं मेरे लिस्ट में 2 कार है, जगुआर ई-पेस और मर्सिडीज बेंज GLA, लेकिन इस लॉकडाउन के कंडीशन के कारण वो शोरूम तक नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे जो भी हो जाए, जिस दिन शोरूम पर पहुंचेगा पहला कार का ओनर प्रभात कुमार बनेगा। तो आज आप समझ सकते हैं कि एक आदमी जो 2 साल पहले बाइक से इस बिजनेस की शुरुआत किया था, इस प्लेटफॉर्म की, हमारे लीडरशिप की, हमारे प्रोडक्ट इतने पावरफुल है कि आज हमें उस बाइक से लेकर ऑडी मर्सी जो जगुआर तक पहुंचाने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 से 5 साल अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए तो आपकी भी जिंदगी हसीन हो सकती है। आज आप किस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हो मैटर नहीं करता है, आज आप कैसे कौन से जॉब करते हो, कैसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो मैटर नहीं करता है, लेकिन भरोसा करके अगर 3 से 5 साल इस प्लेटफॉर्म को दे दिया तो ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे भी जब स्कूल में जाएंगे तो ऑडी मर्सिडीज और जगुआर पर जाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्यारी से डाउनलाइन को, स्पेशली हमारे सफायर लीडर मिस्टर अनिल चतुर्वेदी सर, हमारे ऑल फाइटर्स को कि अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो एक कारवां न बनता। आज आप लोगों के साथ के कारण आज इतना बड़ा बिजनेस हो पाया है। और एक चीज और मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ कमिटेड होना 3 से 5 सालों तक, जिंदगी यहाँ जरूर बदलता है दोस्त। मेरा जिंदगी बदला है, मेरे अपलाइनों की जिंदगी बदला है, तो आपका भी जिंदगी बदलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपका बहुत-बहुत बधाई हो, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आपको आपके बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त अचीवमेंट के लिए। दोस्तों इसी श्रेणी में मैं आपको आगे चलते हुए, आपने सभी डायमंड्स को सुना और आपने ये सुना कि डायमंड जब होता है तो कितना पैसा कमाता है और डायमंड के पास कौन सी गाड़ी आ जाती है और कौन सी गाड़ी आने वाली होती है, क्योंकि डायमंड की वो गाड़ी वेटिंग में रहती है। लेकिन अब मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो ऑलरेडी लग्जरी लाइफ में एंट्री कर चुके हैं और लग्जरी गाड़ी भी उनके पास आ चुकी है। और दोस्तों डायमंड से ऊपर भी थोड़ा सा और ऊपर हम चलते हैं और बहुत ही एक दमदार लीडर जिन्होंने आज इस छोटे से अंतराल में असली पीएस वेलनेस जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से आज अपनी टीम में बहुत सारे डायमंड बना चुके हैं। आखिर कैसे उनकी टीम में इतने सारे डायमंड बने और आज हमारी वो टीम के कैपिंग अचीवर हैं, जैगवार अचीवर भी हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी। गुरुदेव सबसे पहले तो आप सभी गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत नमन, सभी मेंटर्स को मैं दिल से नमस्कार करता हूं और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। पूरे हिंदुस्तान को इस ज्ञानेंद्र शर्मा का दिल से बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय, और आज मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं सीखने आया हूँ। जैसा कि लगातार प्रमोशन हो रहा है कि ये प्रोग्राम सुनने का है, सीखने का है, तो मैं एक्चुअली में सीखने ही आया हूँ। लेकिन गुरुजी लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का मार्गदर्शन मिला, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। ज्ञानेंद्र शर्मा नाम हुआ, बैकग्राउंड कई सारे ऐसे लीडर्स को आपने सुना होगा कि बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर में बहुत दिक्कतें थी पैसे की, तो ऐसा अपने साथ कुछ नहीं था। लाइफ में नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूँ, मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में हर बंदा जॉब में है, मेरे बब्बा जी भी जॉब में थे, मेरे पिताजी जॉब में थे, मेरे बड़े भैया लोग बिजनेस में थे, मेरी भाभी जॉब में थी और विदिन मैं भी आर्मी में जॉब कर रहा था। यानी घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, जमीन जायदाद भी अच्छी थी जहाँ से खेती भी अच्छी हो जाती थी। मुझे याद है कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार देखा था तो मुझे केवल एक विजन के साथ मिशन इंडस्ट्री को आया था। पैसा तो सब कमाते हैं और पैसा ऑलरेडी मैं कमा रहा था, यानी जब इंसान पैसा कमा रहा होता है तो पैसे की ज्यादा भूख नहीं होती है। मैं इस इंडस्ट्री में केवल और केवल आया था अपनी एक अलग पहचान बनाने, क्योंकि पैसा हम सभी लोग कमा रहे थे, मेरे परिवार का हर इंसान कमा रहा था, लेकिन मैं अपने आप को कोई पहचान नहीं दे पा रहा था। मेरी कोई पहचान नहीं थी, कोई छवि नहीं थी मेरे गांव में, अब मेरे गांव के आसपास लोग मुझे नहीं जानते थे। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहाँ से समाज में एक अलग पहचान हो, एक नाम हो, और इसी विजन के साथ में मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किया। डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत करने के बाद लगभग 2-3 साल मैंने आर्मी की जॉब को करते हुए पार्ट टाइम में किया। उसके बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि लाइफ में तिल-तिल करके मरने से अच्छा है कि एक बार ही लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेके एक बड़ा काम किया जाए, और मैंने गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। मुझे याद है कि जब मैंने गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप किया था तो महिपाल गुरु जी का कॉल आया था, और ये मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि गुरु जी एक कैरिंग एटीट्यूड होने के कारण, मेरे अपलाइन होने के कारण गुरुजी का कॉल आया और ज्ञानेंद्र शर्मा जी आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया। मैं बोला हाँ गुरुजी मैंने जॉब छोड़ दिया। तो वो सर ने बोला था कि सर जब आप जॉब तब छोड़ रहे हैं जब आपके पास कुछ फाइनेंशियली मजबूत है कि नहीं है, या पैसे की आपको दिक्कत आएगी। तो मैं उस समय लगभग 1 लाख रुपए एपी फंड निकाल लिया था, बीच में कोई दिक्कत हो, और मैं थैंक्स बोला क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा फाइनेंशियली घर तरफ से दिक्कतें नहीं थी, इसलिए मैं उस चीज को थोड़ा सा मैनेज कर पाया। लगातार डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, काफी दिन मेहनत करने के बाद एक इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद, घर परिवार फैमिली सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी वो सक्सेस न मिल पाई जो चीज हम चाहते हैं। लेकिन थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे महिपाल गुरुजी के माध्यम से असली पीएस वेलनेस का प्लान देखने का मौका मिला। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर अमित गुरुजी और शिव कुमार सर का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। मैं आपको बता दूं, मुझे जब पहली बार महिपाल गुरुजी ने प्लान दिखाया, मुझे 1% भी प्लान समझ में नहीं आया कि सर क्या जोड़ना, क्या तोड़ना, क्या बोनस, क्या लेग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या सेल पॉइंट्स, क्या क्या था। केवल मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी ने बताया है, अगर गुरुजी लोग कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। मैंने केवल अपने अपलाइन को, अपना मेंटर या अपना गाइडलाइन, केवल आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा किया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। हाँ, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि मैंने जब जॉब छोड़ दिया था तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैंने जॉब छोड़ा है, घर में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अपनी एक अलग पहचान जब तक ना बन जाए तब तक घर में ना बताया जाए। मैंने असली पीएस वेलनेस में काम करना शुरुआत किया, रांची में मैंने काम किया और लगभग असली पीएस में 7 रैंक रूबी स्टार या सफायर मैंने अचीव कर लिया। सफायर अचीव करने के बाद मैंने अपने घर में बताया कि मैं जॉब छोड़ के काम कर रहा हूँ। और आप ये समझिए कि घर में मैंने बताया नहीं कि मेरे घर में ऐसा बिजली गिरा या ऐसा तूफान जैसा आ गया कि पूरा परिवार, पूरा घर या हर इंसान, मतलब पूरा मेरी लाइफ में मैं बोल सकता हूँ कि जितना मुझे विरोध करना, फैमिली का सामना करना पड़ा, शायद मेरे ख्याल से, देखिए मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों में होगी। लेकिन सफायर रैंक पहुंचने के बाद परिवार में अचानक एक तूफान आ गया। पापा जी ने कॉल किया, मैं रांची में उस समय था, बोले वापस सीधे घर आ जाओ। मैं आया और पूरी फैमिली ऐसे बैठी हुई थी, ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हूँ। गलती ये थी कि मैं सफायर रैंक में पहुंचने के बाद एक अच्छा इनकम भी था मेरे पास, लेकिन एक्चुअली में उस समय मेरी सिचुएशन ऐसी थी टीम में कि अपनी टीम को मैनेज करने में, मेरे अपलाइनों को पता है कि लगभग 80% जो पैसा मेरे पास आता था वो मेरी टीम में ही मैनेज कर मुझे करना पड़ता था। ये टीम में भी कहीं ना कहीं मुझे और सभी अपलाइंस, सभी डायरेक्ट सेलर करते हैं कि जब शुरुआती दौर में कोई भी इनकम आती है, मैं ये मैसेज के तौर पर ही आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा पहचान लेना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको जब शुरुआती दौर में आपकी इनकम आती है तो उस इनकम को आप अपनी टीम में या अपने बिजनेस में खर्चा करने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा आपके पास अथाह आएगा। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में अपने पैसे को अपने पर्सनल यूज या अपने घर के यूज या अपने आप मतलब यूज करेंगे, अपने बिजनेस में नहीं लगाएंगे, तो आपके शायद लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन जल्दी नहीं आ पाएगा। और मैंने गुरुजी लोगों के गाइडलाइन के हिसाब से हमेशा काम किया। जब मेरे घर में पता चला, घर तरफ से प्रेशर आने लगा कि नहीं आपको जॉब जाना है, जॉब में जाना है, तो उस समय मैंने, मतलब मेरी लाइफ में इतना प्रेशर था कि मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान की लाइफ में एक ऐसा पल आता है ना जहाँ पे इंसान आप सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन थैंक्स अ लॉट कि मैं गुरु भक्त था। अपने अपलाइन से बिना पूछे मैंने आज तक कोई भी काम नहीं किया। मैंने शिव कुमार सर को कॉल किया और शिव कुमार सर ने केवल एक बात मेरे से बोली थी कि ज्ञानेंद्र शर्मा जी, कैरियर आपका है, फ्यूचर आपका है, तो डिसीजन आपको ही लेना है। केवल शिव कुमार सर ने इतनी बात बोली कि सर डिसीजन अगर आपको लेना है तो मैं आपको गाइडलाइन कर सकता हूं कि जो काम आप अभी कर रहे हो, आर्मी की अगर बात करता हूं तो आप एक बार विजन ले लो कि जिन लोगों ने आर्मी जॉब को रिटायर कर दिया है, आज उनका जो वर्तमान होगा वो आपका फ्यूचर होने वाला है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो अगर हम लोग सक्सेस हैं तो आगे आने वाले समय में आप भी सक्सेस होंगे, डिसीजन आप ले लीजिए। गुरुजी ने केवल इतना बोला और दोनों को मैंने कंपैरिजन किया, एक तरफ जॉब और एक तरफ बिजनेस, और मुझे बिजनेस में ही फ्यूचर दिखा। दूसरा, कई लोगों का फ्यूचर मेरे साथ जुड़ चुका था और मुझे लगा कि आज अगर मैं गलत डिसीजन ले लेता हूँ जॉब में या कोई दूसरा, तो शायद उन लोगों की बददुआ मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और उनको मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ जो लोग आज मेरे भरोसे पे फुल टाइम काम कर। और दोस्तों, केवल और केवल मैंने उन लोगों के गाइडलाइन से काम किया। बीच में कुछ और प्रॉब्लम्स आई थी तो मैंने संजीव गुरुजी को भी कॉल किया था। जैसे घर तरफ से जब प्रेशर आ रहा था तो संजीव गुरुजी ने भी मुझे गाइडलाइन दिया कि सर आप अपनी जगह सही हैं और आपके घर वाले भी अपनी जगह सही हैं, आप उनको जवाब मत दीजिएगा, केवल अपने आप अपने हिसाब से काम करिए, घर वाले जो बोल रहे हैं आप उनको सुनिए, उनकी बातों को इग्नोर मत करिए, लेकिन वो अपनी जगह सही है। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि आज ज्ञानेंद्र शर्मा यहाँ पे है तो मेरे अंदर कोई टैलेंट या क्वालिटी नहीं था, केवल और केवल असली पीएस के बेस्ट मैनेजमेंट, सही गाइडलाइन की वजह से महिपाल सर, शिव कुमार सर, अमित गुरुजी, संजीव सर, अनिल सर का लगातार गाइडलाइन मिलता रहा और इन्हीं के गाइडलाइन के कारण और एक अच्छी लाइफलाइन के कारण मैं अपनी टीम को अपनी डाउनलाइन कभी नहीं मानता हूं, मैं अपनी टीम को अपनी टीम नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि मेरी लाइफ लाइन है, क्योंकि आज मैं जिंदा हूं या मैं आज इस लेवल तक हूं तो मेरी लाइफ लाइन मेरी टीम की वजह से। मैं दिल से इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और आज गुरुजी लोगों के आशीर्वाद के कारण ये ज्ञानेंद्र शर्मा जो कल 10-20-30 हज़ार की नौकरी के लिए कभी सोचता था और कभी नौकरी कर रहा था, आज गवर्नमेंट जॉब के फुल टाइम कैरियर को ड्रॉप करके इस इंडस्ट्री में असली पीएस वेलनेस में आज 4 साल, 4.5 साल का कैरियर हो चुका है। 4.5 साल में इस इंडस्ट्री से आज बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन मात्र 11 महीने में होंडई के टॉप मॉडल वरना मैंने लिया था, उसके करेक्ट 1 साल बाद मैंने जगवार गाड़ी लिया। और आज अगर बात की जाए तो देश विदेश की यात्रा, नेपाल, थाईलैंड, दुबई, ताशकंद, हांगकॉन्ग, बहुत सारी यात्रा मैंने विद फैमिली किया। आज मैं 3.25 करोड़ से ज्यादा के अचीवमेंट असली पीएस वेलनेस से कर चुका हूँ। हर महीने 7 से 8 लाख की इनकम कर चुका हूँ। लास्ट में एक मैसेज जरूर आप लोगों को देना चाहता हूँ कि दोस्तों, घर, परिवार, फैमिली सब अपनी जगह सही है। हो सकता है कि आपके परिवार में बहुत सारी विरोध या बहुत सारे दिक्कतों का सामना आपका करना पड़ रहा हो, केवल समय का इंतजार है। पेशेंसफुली अगर आप काम कर रहे हैं और गुरु किसी भी एक इंसान को अपना मेंटर चूज कर लीजिएगा, केवल उसी इंसान के गाइडलाइन से आप काम करिए। उस समय कई बार ऐसा होता है ना कि विपरीत परिस्थितियां होती हैं, आपके घर या परिवार से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो आपको सोचने में या कहीं डिसीजन लेने में दिक्कतें आती हैं। केवल उस गाइडलाइन से, उस मेंटर के गाइडलाइन, उस आइडियल, उस गुरु को गाइडलाइन से चलते रहिएगा, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। और आज मैं बोल सकता हूं कि एक समय था जहां मेरा पूरा परिवार मेरे विरोध में था, और एक आज का समय है जहाँ पे पूरा परिवार, पूरा घर, पूरा नाथ, पूरा रिश्तेदार और पूरे आसपास के जितने भी लोग मुझे जानते हैं, आज वो सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट और मेरी एक अलग पहचान बन चुकी है। और ये सारी चीजें हो पाई हैं तो मेरे ग्रेट गुरु, सभी मेंटर्स की वजह से। लास्ट में मैं अपने मेंटर, अपने आइडियल, जिनके वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में, असली पीएस वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ, मिस्टर अमित गुरु जी, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्राउन डायमंड बनने के लिए गुरु जी आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला। सभी व्यूवर्स को और सभी अपलाइंस को दिल से बहुत बहुत नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन ज्ञानेंद्र सर, आपके बहुत शानदार अचीवमेंट और एक शानदार लेवल के लिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आदमी बड़ा वो नहीं बनता है जो खुद बड़ी अचीवमेंट लेता है, आदमी बड़ा वो बनता है और रियली बड़ा वही होता है जिसकी वजह से लाखों लोग आज जिंदगी परिवर्तन होता है। और आपने आज बहुत सारे लोगों को गाड़ी में लाके दिया, बहुत सारे लोग आपकी वजह से करोड़पति हैं, बहुत सारे लोग डायमंड्स हैं। आप ऐसे ही अपनी टीम में डायमंड बनाते रहें। और दोस्तों, इसी श्रेणी में डायमंड के आगे हम लोग चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हो तो दो सपने आपके हमेशा रहते हैं और दो ड्रीम रहते हैं। पहला ड्रीम ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको बनना है डायमंड, और दूसरा ड्रीम, कंपनी कोई भी हो, कुछ भी हो, एक बहुत बड़ा कॉमन चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने वाला हर आदमी अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहता है और वो ये चाहता है कि मुझे करोड़पति बनना है। असली पीएस वेलनेस में करोड़पति बनने का मतलब ब्लू डायमंड का मतलब करोड़पति, यानी कि हमारे इस कंपनी में कोई आदमी ब्लू डायमंड बना है, इसका मतलब ऑलरेडी उसने अपने खानदान का एक इतिहास लिखा है और वो करोड़पति बन चुका है। दोस्तों, इसी श्रेणी में मैं ब्लू डायमंड लीडर हमारे हैं आपके सामने, जिनसे आपको मिलवाना चाहूंगा और उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि राज सर आपको बहुत बहुत बधाई ब्लू डायमंड बनने पे, आपको करोड़पति बनने पे। और एक ही बात बोलूंगा कि जब मैं असली पीएस वेलनेस में आया था तब से और राज चौधरी जी, हम लोग आपस में फेसबुक फ्रेंड थे और तकरीबन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक इंतजार करते रहे। मैं बार बार इनको बताता रहा सर आ जाओ, और ये इंतजार करते रहे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि ये दिल्ली आके भी वापस चले गए, लेकिन मिल नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी उस टाइम की ये हमारे साथ ज्वाइन करें। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने डिसीजन लिया और फास्ट प्रोग्रेस करके आज जो मुकाम हासिल किया, मैं एक ही बात कह सकता हूँ, राज सर मेरा गोरखपुर आना आपने सफल करवा दिया। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेंगी। आप गोरखपुर का नाम ऐसे ही इतिहास के पन्नों में दर्ज कराते रहना, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। प्लीज वेलकम मिस्टर राज चौधरी जी। थैंक यू सर, गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, कृपा है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार असली पीएस फाइटर्स। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि नाम राज चौधरी हुआ और गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, साथ इस दिन का इंतजार हर एक एमएलएम लीडर करता है कि जब वो करोड़पति बने। और दोस्तों, आज ये जो अचीवमेंट हो पाई है ब्लू डायमंड की, ये मेरी खुद की नहीं है, मेरे भी इतनी औकात नहीं थी, मेरे भी इतनी हिम्मत नहीं थी। ये अचीवमेंट अगर हो पाई है तो मेरी प्यारी सी टीम और कहीं न कहीं हमारे महागुरु जग का सपोर्ट मिला। मिस्टर संजीव सर, मिस्टर अनिल कुरी सर और मिस्टर महिपाल सर, मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, शिव कुमार सर एंड बात करूं कि यार इस टीम के सपोर्ट से दोस्तों आज ये अचीवमेंट हो पाई है। अगर मैं थोड़े से अपने लाइफ के बारे में बताऊं तो सर मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता था जहाँ पे सर पिताजी सरकारी जॉब में हुआ करते थे और हम लोगों की परवरिश उन्होंने ठीक ठाक किया। उनका एक ही मकसद था कि हमारे बेटे सब जॉब करे, सरकारी जॉब करे, और उन्होंने मेरे लिए मेरी परवरिश में सर कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं कहूँगा कि दुनिया के बेस्ट अगर मम्मी पापा किसी के हैं तो मेरे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर सब कुछ खर्चा किया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वो जो चाहते थे मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वो हमेशा चाहते थे कि मैं क्लास में 60% नंबर लेके आऊं, मैं फर्स्ट डिवीजन आऊं ताकि मेरी कहीं जॉब लग जाए। लेकिन सर मेरी किस्मत में फर्स्ट डिवीजन नहीं लिखा था, मैं हमेशा फेल होता चला गया। मैं हाई स्कूल में एक साल फेल हो गया। फेल होने के बाद सर पिताजी ने घर से मुझे बाहर कर दिया और उस वक्त दरमियान मेरी जिंदगी का ऐसा पल था जब दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और उस वक्त दोस्तों मैंने कंपनी के बारे में सुना था। उस कंपनी का प्लान देखने के लिए रियल मानिए घर पे तो सब कुछ था, लेकिन एक पर्सनल अपना ईगो हर्ट कर रहा था कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। और मैंने एक थर्ड आदमी की साइकिल को मांग करके नदी को पार करते हुए 45 किलोमीटर सर यात्रा किया। 45 किलोमीटर यात्रा करने के बाद सर एक झोपड़ी में मैंने एक प्लान देखा और उस प्लान को देखने के बाद मुझे लग गया कि दुनिया में अगर मुझे कोई कामयाब कर सकता है तो यही प्लान कर सकता है। उस प्लान को सर मैंने लेट ना किया क्योंकि मैंने कहा था इंतजार करने वालों के हिस्से में उतना ही आता है जितना करने वाले छोड़ देते हैं। तो मैंने इंतजार नहीं किया, तुरंत सर मैंने ज्वाइनिंग किया और जी जान मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया। जैसा जैसा क्लाइंट ने बोला मैंने हर वो काम किया। मैंने बस भर करके मैंने दिल्ली तक पहुंचाया। लेकिन सर बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था उस वक्त। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाजा कोई ना कोई खुलता है। उस समय सर मैं फेसबुक पे हल्का सा चैट कर रहा था। उसी वक्त सर एक उम्मीद की किरण आई, वो हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर के द्वारा टच हुआ। और मैं बताऊं कि अंदर अंदर मैं उस कंपनी में एक लेवल रैंक पे था, डायमंड रैंक पे था उस कंपनी में। और वहां पे सर केवल नाम का डायमंड था, केवल बोला जाता था कि नहीं इतना रुपया आ रहा उतना, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी एकदम खोखला हो चुका था। दीमक ने अंदर से पूरे हमको चाल रखा था, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय एक किरण आई महिपाल सर की और सर ने जब ये ऑफर किया तो सर हम और हमारी टीम के एक लोग थे सर, उनका मैं कहूँ दुर्भाग्य कहूँ कि क्या कहूँ, उन्होंने मुझे यहाँ धक्का तो मार दिया क्योंकि सर उस लेवल पे डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था। उन्होंने कहा नहीं चलते हैं, महिपाल सर से मिलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने गुरुदेव से बात किया लेकिन फिर वो पीछे हट गए। उन्होंने ज्वाइनिंग पुरानी कंपनी कर लिया, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। लेकिन मैं बार बार धन्यवाद कहूँगा गुरुदेव का अपने कि गुरुदेव लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, साथ दिया। आज मैं बताना चाहता हूं कि आज रियल में जो कि मैंने कहीं सुना था नेटवर्क मार्केटिंग 3 साल का गेम होता, अगर 3 साल में आपने 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमा लिया तो आपकी लाइफ सार्थक हो जाती है। आज दोस्तों महज 3 साल के अंदर अंदर सर यहाँ से मैंने 1 करोड़पति क्लब एसली पीएस वेलनेस के करोड़पति क्लब में सम्मिलित हुआ। और आज मैं बताऊं कि जो कि एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा विजन था, जिस विजन के लिए जब भी कभी मैं सड़कों पे गुजरता था, जब भी मैं कहीं जाता था तो एक सपना होता था कि जब भी मैं कहीं फॉर्च्यूनर को देखता था तो बिल्कुल मैं एकदम थम सा जाता था, मैं उसके लुक को देख करके थम सा जाता था। उसी दिन जब मैं पिछली कंपनी में था तो मैंने स्टेज पे शेयरिंग किया था कि अगली बार जब मुलाकात होगी तो फॉर्च्यूनर से होगी। लेकिन ये मेरा बैड लक था कि उस कंपनी में तो नहीं, लेकिन असली पीएस वेलनेस ने पिछले 12 साल का जो सपना मेरे अंदर दबा था सर, उसको अभी मैंने 5 तारीख को सर यहाँ से टॉप मॉडल अपनी फॉर्च्यूनर परचेज किया। कहीं ना कहीं सर ये संभव हो पाया हमारे गुरुदेव लोगों के आशीर्वाद से। और हमारी प्यारी इस टीम को मैं जितना धन्यवाद कहूँ सर उतना कम है। और आज यहाँ से सर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम सर अचीव कर पाया हूँ। अगर ये सब संभव हुआ तो गुरुदेव आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों का गाइडलाइन रहा तो गुरुदेव आने वाले 7 से 8 महीने में सर ब्लैक डायमंड बन करके सर आपके सामने आ रहा हूं। और मैंने बोल दिया कि 2025 का जब सूरज ढलेगा तो सर राज चौधरी के पास आज फॉर्च्यूनर है, लेकिन 25 से पहले दोस्तों अपने पास खुद की एक टॉप मॉडल पोर्चे की कार होगी। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। मैं बार बार वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू सर, आई लव यू माई प्यारी टीम, आई लव यू माई को लाइन, थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट किया सर। राज सर बहुत बहुत बधाई हो आपके शानदार और फास्टेस्ट अचीवमेंट के लिए। लेकिन बोला जाता है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ऐसे ही आपका रहना। और आपने एक बात बोली कि अपलाइन का साथ रहा तो हटा दो, अपलाइन का साथ जिंदगी भर है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। हमें आपकी अचीवमेंट ही हमारी अचीवमेंट। दोस्तों आपने राज सर को सुना कि करोड़पति बनने के बाद और फॉर्च्यूनर लेने के बाद कैसा फील होता है। और इसी श्रेणी में मैं आपको आगे मिलवाना जा रहा हूँ हमारे एक बहुत ही दमदार से लीडर, जिन्होंने जब हमने शुरुआत की थी जो वो आर्मी में थे, थोड़ा देर से शुरू कर पाए क्योंकि उस टाइम आर्मी की नौकरी में बिजी थे, लेकिन वो फुल टाइम आए और फुल टाइम करने के बाद जिस दिन शुरुआत किया उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उन्होंने इतनी फास्ट प्रोग्रेस की कि उसकी आज स्पीड के एग्जाम्पल दिए जाते हैं और आप खुद ही उनसे सुनिएगा उनकी जुबानी कि कितने छोटे से टाइम में एक बड़ा अचीवमेंट, और वो हमारे कैपिंग अचीवर भी हैं और लग्जरी कार अचीवर भी हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर विकास जी। विकास जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मौका दिया और इतने बड़े मंच पे आने का। मुझे नाम विकास कुमार और मैं भी एक्चुअली आर्मी में 2001 में आर्मी में भर्ती हो गया था और 16 साल 2 महीना आर्मी में जॉब की। आर्मी में जॉब करते करते एक डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला, शुरुआत की। और मैं भी शायद, मेरा भी दुर्भाग्य ये रहा कि क्योंकि डिसीजन हमारा भी पहले हो सकता था, जो राजू सर ने आपने राजू सर को सुना होगा, तो वही सेम लगभग कहानी अपनी भी है। मतलब डिसीजन हो सकता था बट नहीं हो पाया, कुछ ऐसी चीजें हुई। लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली, देर आए पर दुरुस्त आए। बिल्कुल दुरुस्त आए गुरुजी, क्योंकि जब एसली पीएस की शुरुआत की तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आई। क्योंकि बेसिक स्टार्ट किया था। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब मैं पहले काम किया था तो डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 100% नहीं, हमने 200% काम किया। जो चीज बताई गई वो लगातार की। कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हमने अपनी तरफ से कुछ छोड़ दिया हो, लेकिन अचीवमेंट उस तरह से नहीं आ पा रहे थे। और लेकिन एक चीज सर ने शुरू में बोला था, महिपाल सर ने, और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है ये कि खाया हुआ और काम किया हुआ कभी खराब नहीं जाता, कभी ना कभी काम जरूर आता है। तो मेहनत सिर्फ ये सोच के की जा रही थी, क्योंकि जब अचीवमेंट नहीं आते थे तो गुरु से बात करते थे हम कि भाई गुरु जी अचीवमेंट नहीं आ पा रहे, तो गुरु जी ने एक बात कही कि काम करते रहो, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। और वो फल बिल्कुल एसली पीएस के माध्यम से मेरी जिंदगी में मिला। और जब मैं पेंशन आ रहा था तो एसली पीएस की शुरुआत हुई। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रही, लेकिन लगातार काम किया। और 2500 का भी चेक शुरुआत में बना, फिर 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, और आज लगभग महीने की इनकम 10 से 12 लाख एवरेज मेरा एसली पीएस के माध्यम से यहाँ से आता है। और अगर मैं बात करता हूँ मेरी ड्रीम कार, जो कभी सपना सोचता था कि ये होगी या नहीं होगा, और एक बार ऐसा लगा कि शायद सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन एसली पीएस के माध्यम से ओनली 11-11.5 महीने के अंदर मैंने अपनी ड्रीम कार मर्सिडीज बेंज की क्लास यहाँ से अचीव की। और जब मैं कार अचीव की तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक मेरा शख्स था, उसने तो ये भी बोल दिया कि भाई ये तो शोरूम में गए और फोटो खिंचा ली, लेकिन जब 23 लाख का चेक बना, फिर 36 लाख का चेक बना, आज शायद बिल्कुल पूर्णतः विराम उनकी वाणी पे लग गया है। बिल्कुल चुप हैं आज, बिल्कुल अचीवमेंट देख रहे हैं आते आते। और दोस्तों, दिक्कतें तो जरूर रही क्योंकि प्लान, लेकिन एक ही चीज है कि हम प्लान देना आ गया, फॉलोअप करना आ गया। बस प्लान देना था, लिस्ट बनानी थी, बस यही काम डायरेक्ट सेलिंग में करना था। और मैं आज भी करता हूँ ये काम। और जब ये काम अगर एक इंसान लगातार करता रहेगा तो अचीवमेंट 100% आएंगे, 100% आएंगे। लोग मना करते गए, कुछ लोग आते गए, कुछ लोगों ने टोंच भी मारा। तो टोंच मारने से कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ये सोच लेते हैं कि भाई तुझे तो पक्का करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने बना कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं करके दिखा सकता, लेकिन उसके बाद हमने ये कमिटमेंट लिया कि भाई इसको तो 100% करके दिखाना है। और अपनी प्लान बढ़ा दिए, ज्यादा लोगों से बात की, ज्यादा लोगों के साथ प्लान किए, और आज बहुत बड़ा अचीवमेंट लाइफ में आ पाया। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। और आज हमारा भी एक्चुअली हम भी सीखने के लिए आए, गुरु जी हमारे बीच में हैं। गुरुजी को सुनने का सौभाग्य कभी कभी मिलता है, और आज हमें भी सौभाग्य मिला है गुरुजी को सुनने का। लास्ट में एक ही कमिटमेंट, बहुत ही जल्दी लगभग 2 महीने या 2.5 महीने में आप अगला रैंक, जो रॉयल डायमंड का रैंक अचीव आप मुझे करते हुए जरूर देखोगे। और ये संभव हो पाया है तो मेरे मेंटर्स आज मेरे लिए सब कुछ है। मिस्टर अमित कुमार दुबे सर की लगातार गाइडलाइन, लगातार मेरे ऊपर आशीर्वाद, मिस्टर शिव कुमार गुरुजी का लगातार गाइडलाइन, मिस्टर महिपाल सर का, तो बस वहीं से वो बस छींटे मार देते हैं ऊपर, है ना, ब्रह्मा तो बिल्कुल छींटे मार देते हैं और वहीं से काम अपना हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आप लोगों को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरी प्यारी सी टीम, आज इतनी जबरदस्त टीम जिनकी वजह से ये अचीवमेंट या विकास कुमार आज इस पैनल पे बैठने के काबिल बन पाया। अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं आप गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, और बहुत बहुत बधाई। और रियली मैं आपको बताऊं, आपका ग्रेट अचीवमेंट, और बहुत कम टाइम में आपने मैं यही बोल सकता हूँ कि रॉयल डायमंड अचीव कर ही लिया, क्योंकि तकरीबन पूरा हो चुका है, नाम मात्र का बचा है। आप बहुत जल्दी विकास सर को रॉयल डायमंड बनते हुए देखेंगे, क्योंकि हर आदमी जिंदगी में रॉयल बनना चाहता है और ये भी रॉयल बनने वाले हैं। दोस्तों, आज का प्रोग्राम स्पेशली जिस चीज के लिए था, और मुझे मालूम है आप सारे लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो पल कब आएगा कि जब हम जिस चीज के लिए यहाँ पे आए थे और इंतजार कर रहे थे वो पल आप देख पाएंगे और उसके साक्षी बन पाएंगे। मैं अभी उस पल से आपको जस्ट थोड़ी देर में रूबरू कराने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मौका हाथ से ना चूक जाए। जितने भी आपके लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा है और जिस मेन एक्टिविटी के लिए आ जाए हैं कि कैसे एक आदमी, एक छोटा सा आदमी इतने कम टाइम में इतना बड़ा बन सकता है, और लाइव आप एग्जाम्पल बनेंगे। आपके जितने भी टीम के लोग हैं, अगर अभी ज्वाइन नहीं है तो आप उनको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। कुछ लोग कहीं बिजी हैं तो आप उनको बताइए कि दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो टाइम है, अब तक का सबसे क्रीम जो टाइम है और सबसे क्रीम जो चीज है वो आपको मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज जैसे भी आपने देखा होगा, आज लिखा हुआ था क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि क्राउन डायमंड कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। आप रियली अगर देखा जाए ना, क्राउन डायमंड क्या होती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक अच्छी खासी और बहुत बढ़िया नौकरी हुआ, सरकारी नौकरी वाला आदमी जब पूरी जिंदगी 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करता है और 40 साल के बाद वो जब वो रिटायरमेंट आता है, तो रिटायरमेंट आने के ऊपर उतना पैसा वो लेके नहीं आ पाता है जितना कि हमारी कंपनी में जब एक इंसान क्राउन डायमंड बनता है तो वो अचीवमेंट एक साथ लेता है। और आप सबको मालूम होगा, मैं दोबारा से रिमाइंड कराता हूं, याद दिलाता हूं, तब तक आप अपने लोगों को ज्वाइन करवाइए। क्राउन डायमंड बनने पर एक आदमी के अकाउंट में तकरीबन 1 करोड़, हम बोल सकते हैं 93 लाख, हाँ आपने सही सुना, 93 लाख रुपए का सिंगल एक चेक क्वालिफाई कर जाता है असली पीएस वेलनेस की तरफ से। और मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिन्होंने बहुत कम टाइम में इतने बड़े चेक को क्वालिफाई किया, और वो अपने मुंह से बताएंगे कि पहले क्या करते थे। उनके पास लाइफ में बड़ा बनने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन असली पीएस वेलनेस को क्यों कैरियर चुना, और आज इतने एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा चेक। मैं ये बोलूं कि शायद एक तराजू में 93 लाख रुपए रख दें और एक तराजू में उनको बैठा दिया जाए, तो शायद 93 वाला जो तराजू है वो भारी होगा, लेकिन उनका जो तराजू है वो छोटा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अचीव कर डाला। और इस चीज से एक ही समझाते हैं, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, बस एक बार भरोसा करना है। और इसी विश्वास करने वाले लीडर को मैं आपके सामने रूबरू करा रहा हूं। दोस्तों, आप और हम सारे लोग मिलके जबरदस्त क्लैपिंग के साथ अपनी अपनी जगह बैठे हुए जबरदस्त कंग्रेचुलेशन के कमेंट के साथ कॉल करते हैं अवर कंपनी क्राउन डायमंड मिस्टर अमित दुबे जी। प्लीज वेलकम मिस्टर अमित दुबे जी। थैंक यू सो मच गुरुदेव। सबसे पहले तो गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आज भी ये पल आ रहा है, जब भी अचीवमेंट आती है मैं उस पल को हमेशा याद करता हूँ, जब पहली बार आपसे हमारी मुलाकात वाराणसी के अंदर दुर्गा कुंड के पास किसी होटल में हुई थी, और हम लोगों ने बैठ के असली पीएस वेलनेस की डिसीजन को बनाया था। आपने सब जब समझाया था, उस समय हम भी उधेड़ बुन में थे, क्या करें ना करें, कैरियर बनाए ना बनाए। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं ना कि इंसान की लाइफ में आगे चल के बहुत सारे लोगों का साथ मिलता है, लेकिन वो इंसान सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसने कोई अपॉर्चुनिटी उसकी जिंदगी में डाली। और गुरुदेव, मैं हाथ जोड़ के आपके नमन करता हूं आपको, क्योंकि ये असली पीएस वेलनेस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे बनारस में सन 2016 में आपके द्वारा देखने का मुझे मौका मिला था। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो आज लाइफ है गुरुदेव, आपके द्वारा दी हुई लाइफ है। दोस्तों, सबसे पहले आप सारे व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अमित दुबे आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सारे लोग इस क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन में शरीक हुए हैं। हमारी स्टोरी कुछ बहुत बड़ी नहीं है, ये स्टोरी तो बनी कई लोगों के सहयोग के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट जिन्हें आज अगर भगवान के बाद अगर लोग स्थान देते हैं, हमारे कंपनी के सीईओ एमडी मिस्टर संजीव सर का। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कंपनी के टॉप ट्रेनर मिस्टर अनिल कुरी सर का, जिनके माध्यम से मैंने पूरी ट्रेनिंग जो आज आप लेते हैं, मैंने सर के माध्यम से ट्रेनिंग लेना सीखा। एक एक बार, कई बार मैं सर को परेशान कर देता था और ट्रेनिंग लेना सीखा। मैं सबसे ज़्यादा स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर का, क्योंकि बोलते हैं कि हर वो इंसान इम्पोर्टेंट होता है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने में एक रोल लिया है। और गुरुजी ऐसे रहे हैं जिनके साथ हमारा, मतलब हम दोनों बहुत पर्सनल एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाए, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, क्योंकि आपने हर पल न सिर्फ एक अपलाइन जैसा बल्कि हमारे बड़े भाई जैसा सर ने मेंटरशिप करी है। चाहे इमोशनल मैनेजमेंट की बात हो, इमोशनल सपोर्ट की बात हो, चाहे वर्क सपोर्ट की बात हो, तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गुरुदेव, क्योंकि आपके बिना मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी सफर हो पाएगी। दोस्तों, बात लगभग जून 2016 की है, जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। और उस समय ये असली पीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म मुझे देखने का मौका मिला था। मैं आपको बताऊं, मेरी एजुकेशन बहुत ही अच्छी रही थी। मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ। अपनी कैरियर में हर किसी का सपना होता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ के कुछ बड़ा किया जाए। उसके लिए एजुकेशन एकमात्र माध्यम होता है मिडिल क्लास फैमिली से लोगों को आगे बढ़ने का। और मुझे भी ये बात समझ में आई थी। और जब मैंने एजुकेशन शुरू करी तो एजुकेशन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया। मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही थी। नवोदय विद्यालय से मेरी एजुकेशन टॉप क्लास की हमेशा रही है। मतलब क्लास नंबर 1, क्लास फर्स्ट से लेके आज तक कभी भी मैं सेकंड नहीं आया। एजुकेशन मेरी बहुत अच्छी रही। और 12th क्लास के बाद मैंने MBBS की एग्ज़ाम भी क्रैक की। लेकिन वो बोलते हैं कि भगवान आपको उस जगह पर ज़रूर पहुँचा देता है जहाँ आपको होना चाहिए। और ईश्वर हमेशा किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए इंसान को इस धरती पे भेजा होता है। और हमें लगता है ऊपर वाले ने मुझे इस दुनिया में भेजने का जो उद्देश्य था वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इतने लोगों के साथ आगे बढ़ने का उद्देश्य रहा होगा। और ये वजह थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गया। अच्छे लोगों का साथ मिला, गुरुजी शिव कुमार सर का साथ मिला। मैंने इस इंडस्ट्री को डिटेल में समझा और गुरुदेव महिपाल सर का आशीर्वाद मिला। एसली पीएस वेलनेस सन 2016 में देखने का मौका मिल गया। दोस्तों, आज एक बड़ी इनकम, आपने सुना अभी गुरुजी बताए कि ये 1 करोड़ की अचीवमेंट लगभग है। इतनी बड़ी सोच हमारी नहीं थी। हमने इस इंडस्ट्री की शुरुआत ये सोच के किया था कि शायद करियर में कुछ बदलाव आ जाए, इस सोच के साथ किया था। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो देख रहे हैं और आपकी भी एक आशाएं, आपकी भी एक होप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। आप सारे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। सबकी एक इच्छाएं होती है कि शायद हमारे लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। ऐसी होप, ऐसी इच्छाएं हमने भी अपनी जिंदगी में बना के रखा था कि शायद मेरी लाइफ में भी बदलाव आ जाए। लेकिन दोस्तों, वो बदलाव 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला चीज, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। क्यों आया ये बदलाव? क्योंकि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला एसली पीएस वेलनेस के रूप में। नंबर 2, अच्छे लोग। क्यों आया ये बदलाव? क्योंकि अच्छे लोगों का साथ मिला। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर अवधेश नारायण जी को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर विकास जी को। इनके जैसे लोगों का साथ मिला। मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी को, हमारे ब्लू डायमंड लीडर मिस्टर प्रणव पांडे जी को ऐसी सुपर पर्सनालिटी का साथ मिलता चला गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ब्लू डायमंड मिस्टर कृष्णा कुमार जी, ब्लू डायमंड मिस्टर अविनाश गुप्ता जी, जितेंद्र मौर्य जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ब्लू डायमंड, हमारे मित्र मिस्टर आदित्य सिंह सर, मिस्टर राज चौधरी जी। और मुझे पता है जितने भी डायमंड्स, लगभग 20 डायमंड्स हैं, इन सारे लोगों का एक अच्छा सपोर्ट मिला। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, वो होता है एक उचित समय। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यह सब कुछ एकाएक होता चला गया या किस्मत से होता चला गया। देखिए, 2 चीजें। पहली जो चीज है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना, ये 100% हमारे आपके हाथों में होती है। और वो हमने देखा, समझ में आया तो चूज किया। दूसरी चीज, लोग आपको कैसे मिलेंगे आपके हाथ में नहीं है, चलते चलते अच्छे लोग मिल जाते हैं, धैर्य रखना पड़ता है। ये सफर पूरा करते करते लगभग 4.5-4.5 साल का सफर गया, तब जाके इतनी बड़ी अचीवमेंट आई। फर्स्ट डे से इतनी अचीवमेंट नहीं आई थी। और जो तीसरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सही वक्त। उस वक्त, सही वक्त को लाने के लिए आपको एक काम जरूर करना होता है, वो होता है दिन रात मेहनत। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा सन 2016 में जब इस बिजनेस की शुरुआत हम लोगों ने किया था, तो मुझे आज भी याद है, मैं और गुरुजी शिव कुमार सर कब सोते कब जागते इसका कुछ पता नहीं चलता था। हमारी रातें बसों में, हमारी रातें ट्रेनों में गुजरती थी। कभी इस सिटी में मीटिंग, कभी उस सिटी में मीटिंग। कभी परेशान होते से, हताश होते थे, तो गुरुदेव महिपाल सर को कॉल करके मोटिवेट हो जाया करते थे। एक आस मिलता था, एक ढाढ़स लेते थे और दिन रात ग्राउंड में बने रहते थे। हमें याद नहीं है कि शायद 1.5 से 2 साल के अंदर जब सफर की शुरुआत हुई थी, उसके बीच में हमने कभी घर का मुंह भी देखा होगा। तो सही वक्त आया जरूर, लेकिन उस सही वक्त को लाने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करना पड़ा। और यही जी तोड़ मेहनत ने रंग लाया है मेरे दोस्तों, कि जहां पे ये अमित दुबे सन 2016 में एक मामूली स्टूडेंट हुआ करता था, आज एसली पीएस वेलनेस और गुरुजी लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से आज अगर बात किया जाए तो लगभग 7 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। आज अगर मैं एक एवरेज इनकम की भी बात करूं, जब से शुरुआत हुई और आज तक की, लगभग 1.5 से 2 करोड़ पर ईयर की इनकम है। आप समझ सकते हैं। कई लोग मुझे बोलते थे, जब मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई क्विट करी थी, तो कई लोग मुझे बोलते थे कि तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और मुझे भी ऐसा डर सा लगने लगा। मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैंने दोस्तों को नहीं बताया। मैं बीएचयू में जब हायर एजुकेशन कर रहा था, वहां भी मैंने कई लोगों को नहीं बताया कि मैं इतनी बड़ी डिसीजन डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ले चुका हूं। लेकिन बोलते हैं ना कि सफलता ये नहीं देखती आप क्या करते हैं, सफलता ये भी जरूर देखती है कि आपकी मेहनत के साथ साथ आपके त्याग कितने बड़े रहे हैं। और वो त्याग दोस्तों जब हुई थी तो इंसान के अंदर, वो बोलते हैं ना कि आग लग जाती है। हमने जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा कि हमें फेल भी होना है, ये वर्ड ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि सारे बैकअप ऑप्शन हमने खत्म कर दिए। आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी की कैरियर में कुछ भी नहीं किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा। इस इंडस्ट्री में इतना फेथ किया, एसली पीएस वेलनेस के ऊपर इतना ट्रस्ट किया कि सारी जिंदगी, सारी कैरियर यहाँ पे दाव पे लगा के इसमें काम करना शुरू किया। और दोस्तों, आज इस टोटल सफर के दरमियान लगभग 4 से 5 लाख लोगों का साथ भी मिला हुआ है। ये सब हो पाया उस डिसीजन की वजह से। मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो सही ज्ञानेंद्र सर अभी आपको बता रहे थे कि जब मैं पहली बार ज्ञानेंद्र शर्मा सर से मिला था, तो मैं बाइक भी नहीं था मेरे पास। मैं अवधेश नारायण जी से मिला था, तो एक छोटी सी बाइक मेरे पास हुआ करती थी। लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा एसली पीएस वेलनेस को, या एसली पीएस वेलनेस के बदौलत आज लग्जरियस कार मेंटेन करता हूं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं कमाता हूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे पास जगवार जैसी कार है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज हमारी वजह से लोगों की कैरियर में बदलाव हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज लोगों की सफलता की वजह हम लोग बन रहे हैं। इस दुनिया में जन्म लेकर परिवार चलाना और परिवार को पाल पोस के बड़ा करना, एक अच्छी जिंदगी देना, तो हर कोई करता आया है। और मुझे लगता है ये काम तो एक जानवर भी कर देता है। लेकिन अगर भगवान ने इंसान के रूप में आपको जन्म दिया है, इस काम से आपको ऊपर उठना पड़ेगा और इस जिंदगी में कुछ वैसा काम करना पड़ेगा जिस काम के लिए ऊपर वाला भी खुश हो जाए और उसको भी सुकून मिले कि इस स्ट्रक्चर को जिस उद्देश्य से हमने बनाया था वो उद्देश्य आज पूरा हो गया। और दोस्तों, आज लगता है एसली पीएस वेलनेस की लगभग 4-4.5 साल की सफर के बाद ऐसा लगता है कि हमने शायद उस उद्देश्य में छोटी सी तरक्की कर ली है। अभी तो कुछ भी नहीं है। आज मैं अगर अर्निंग अपने सीनियर्स की देखता हूं तो मुझे ये अर्निंग बहुत छोटी लगती है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कैरियर को देखता हूं तो मुझे ये अर्निंग बहुत ही छोटी लगती है। आज महीने के लगभग 20 से 30 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। मैंने पिछले बार चेक भी आपको शेयर करके दिखाया था। लेकिन फिर भी ये इनकम बहुत ज्यादा छोटी लगती है, क्योंकि अब बोलते हैं ना कि जब रास्ता दिखाने वाला इंसान बहुत बड़ा हो तो फिर छोटी छोटी चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो दोस्तों मैं आप सबको अगेन जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस अचीवमेंट के लिए। सारे फाइटर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस अचीवमेंट के लिए, और मैं ऐसा आशा करता हूं, मेरी ऐसी शुभकामनाएं आप सारे लोगों के लिए है कि आप सारे लोग जल्दी से जल्दी क्राउन डायमंड बनके आप लोग भी इस लेवल पे पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए, आपकी जिंदगी में भी लगातार बदलाव हो। हाँ, एक चीज जरूर रखना, अपने अपलाइन और एसली पीएस वेलनेस के ऊपर विश्वास जिंदगी में कभी मत तोड़ने देना। चाहे कंडीशन कितनी भी खराब हो जाए, सिचुएशन कितनी भी भयंकर आ जाए, ये जो भरोसा है आपका इस इंडस्ट्री के ऊपर, दुनिया कुछ भी बोले, कई लोग बोलते हैं यार ऐसा नहीं होता, कई लोग बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो। अरे दोस्तों, ये लोगों की बोलने वाली बात है। आप उनसे एक बार पूछना कि चल मैं इनकी बात नहीं मानता, क्या तेरे पास ऐसा कोई मौका है जो मुझे ऐसी जिंदगी दे दे? बस ये सवाल करना, विश्वास करना, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करना, एसली पीएस वेलनेस के ऊपर। हम सारे डायमंड्स, हमें संस्कार एसली पीएस वेलनेस के अंदर दोस्तों ऐसे मिले हुए हैं जहां पे अगर आपने विश्वास के साथ 100% डेडिकेशन लगाया, आपकी जिंदगी इस इंडस्ट्री में बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। मैं आपको यहां से पर्सनल आश्वासन देता हूं। तो दोस्तों, आज वक्त है हमारे गुरुजी लोगों को सुनने का। मैं भी काफी उसके लिए उत्सुक हूं। काफी समय लॉकडाउन के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुरुदेव लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अब लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मौका दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, स्टार सफायर्स, ब्लैक डायमंड्स, हमारे जितने भी फाइटर्स हैं, टोपाज, रूबी, स्टार, हमारे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, और जितने भी लोग जिन्होंने एसली पीएस वेलनेस में अपनी ड्रीम पूरा करने की सपनी और चाहत रखी है, आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की वजह से आज इतनी बड़ी अचीवमेंट आई है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अमित सर, आपको इस शानदार और जबरदस्त और एक अविश्वसनीय लेकिन सत्य अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी कंपनी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जिंदगी में ऐसी तरक्की करते रहें, ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाते रहें। रियली आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल है। बहुत सारे लोग आपको देख के प्रेरित होते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। आपने पैसा ही नहीं कमाया, लोगों के लिए एक उम्मीद बना के आपने छोड़ दी कि लोग ये आपसे इंस्पायर होते हैं कि जब अमित दुबे जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और दुनिया का मैं बताऊं कि सबसे बड़ा काम ये नहीं है कि आपने क्या कमाया, दुनिया का सबसे बड़ा काम ये है कि आपने लोगों को जीने की एक राह दिखाई, लोगों को कामयाब होने की राह दिखाई और उसका एक रास्ता बनाया। आप उसके लिए एक एग्जाम्पल बने, इससे बड़ा काम दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हम सब की तरफ से अगेन बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त फिर भी आपके सामने है। कुछ लोगों को आज भी भरोसा होता है और कुछ लोगों को आज भी असली पीएस वेलनेस के चेक झूठे लगते हैं। मेरे पास सुबह सुबह भी कुछ लोगों ने मैसेज किया, किसी का मैसेज आया था, क्या था वो मैं बाद में शेयर जरूर करूंगा आपके पास, पूरा नहीं करूंगा लेकिन हिंट दूंगा, आप तब तक बने रहिए सारे। लेकिन उससे पहले इस टीम को यहां तक पहुंचाने में जिस शख्स का सबसे बड़ा रोल रहा है, आप उनकी मेहनत को देखेंगे, आप उनके जज्बे को देखेंगे, आप उनके कमिटमेंट को देखेंगे। अगर ये टीम आज यहाँ तक पहुंची है तो उसमें उनका दिन रात एक किया है, उन्हें बहुत ज्यादा पसीना बहा है और उन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और लगातार लगे टीम के पास, ग्राउंड से लेकर प्लान देके, पैदल से लेकर, साइकिल से लेकर, ऑडी से लेकर, पोर्स तक भी प्लान करते करते यहाँ तक पहुंचाया। और रियली वो इंसान अगर नहीं होते तो शायद टीम आज यहाँ तक नहीं हो पाती, ये कंफर्म है। तो मुझे लगता है कि उनको जरूर आपको सुनना चाहिए कि वो जब अपने टीम में इतने सारे रॉयल डायमंड, इतने सारे क्राउन डायमंड और इतने सारे ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जगुआर अचीवर बना सकते हैं, तो ये मानिए कि उनकी एक शब्द और एक लाइन आपकी जिंदगी में भी वही चीज ला सकती है जो आज तक लोगों की जिंदगी में लाई है। आप जरूर उनको सुनेगा और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आप कर सकते हैं। आप सबके सहयोग से मैं इनवाइट करूंगा अवर कंपनी एम्बेसडर लीडर मिस्टर शिव कुमार सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच गुरुदेव। सबसे पहले अगेन हमारे रोल मॉडल, हमारे आइडियल हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले महिपाल सर को कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं और देखा जाए तो कभी हमने बनारस के गलियों से सफर का शुरुआत किया था, साइकिल से स्टार्ट किया, बाइक से भी शुरुआत किया और बहुत सारे कारों से भी बिजनेस को किया। और इस कारमा को खड़े करने में अगर राइट हैंड की अगर बात किया जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है अमित दुबे सर का, जिन्होंने MBBS के पढ़ाई को छोड़कर हमारे साथ और एसली पीएस पर भरोसा करके कैरियर लगाया। और आज हमें बहुत खुशी है कि डायरेक्ट सेलिंग के सबसे रेपोटेटेड रैंक अगर देखा जाए, सबसे कम दिनों के सबसे बड़े रैंक को, सबसे कम एज में एक बहुत बड़े रैंक को अचीव किया क्राउन डायमंड को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित दुबे सर। और हमारे सभी डायमंड यहाँ पर जितने भी हमारे न्यू डायमंड, मिस्टर कौशल कुमार जी, प्रभात सर, जयदेव सर, दीपक साहू जी, मिस्टर राज चौधरी जी, हमारे जितने भी डायम, मिस्टर बसरा राजू जी, आप सभी को अगेन कांग्रेचुलेशन डायमंड बनने के लिए। हमारे ब्लू डायमंड मिस्टर राज चौधरी जी को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि राज चौधरी जी के साथ कभी हम गोरखपुर के किसी होटल में मीटिंग किए थे और गुरुजी के माध्यम से गुरुजी का आदेश मिला था और उसके बाद हम गोरखपुर गए थे और आज जब सक्सेस हुए हैं तो हमें भी बहुत खुशी हुई है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी डायमंड हैं, ब्लू डायमंड है और हमारे बीच पैनल पर ब्लैक डायमंड जुड़े हुए हैं, मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी, मिस्टर अवधेश नारायण जी, मिस्टर विकास जी, ये सारे बहुत ही डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और गुरुभक्त लीडर हैं। इन सभी लीडरों की बात करूं तो कभी ना कभी हमने सफर का शुरुआत किया था और इन सभी को मैं पर्सनल प्लान किया हूं और डायरेक्ट सेलिंग में लाया हूं। और उस समय हमारा एक ही सपना होता था, एक ही सोच था। जब हमने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया तो पहले दिन से ही हमने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, हमें करोड़पतियों की लाइन लगानी है। और हम सौभाग्यशाली थे कि हमारे गुरु शुरू से महिपाल सर रहे हैं। आज से पहले भी अगर बात किया जाए, पिछले कंपनी की बात करूं तो वहां पर भी महिपाल सर के गाइडलाइन में चलता रहा। सर का जो भी आदेश था, जो भी गाइडलाइन था, उसको 100% नहीं, हमने 200% फॉलो किया है। और उसके बाद हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एसली पीएस जैसा प्लेटफॉर्म मिला और कंपनी MD एंड CEO संजीव सर का कदम कदम साथ मिला। और आज अगर देखा जाए तो एक फैमिली की तरह केयर करते हैं, एक भाई की तरह केयर करते हैं सर, और हम सैल्यूट करते हैं। क्योंकि आज हमारी जिंदगी अगर बदली है या लाखों लोगों की जिंदगी बदली है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है संजीव सर का, अनिल सर का और हमारे गुरु महिपाल सर का। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी प्यारी सी टीम, सारी टीम को, क्योंकि अगर हम बोलें तो इंडिया में सौभाग्यशाली है कि सबसे अच्छे, समर्पित और डेडिकेटेड टीम हमें मिली। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर आपको सक्सेस होना है, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपको कामयाब होना है, तो मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, प्लेटफॉर्म आपको इंडिया का सबसे ज़बरदस्त मिला है। अगर आज असली पीएस प्लेटफॉर्म की बात किया जाए तो मेरे पास एक रिकॉर्ड है इस प्लेटफॉर्म का, शुरू से आज तक, कि जितने भी लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया और आज चलता रहा, एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो मेरे साथ का लीडर 10 लाख से कम महीने का इनकम लेता है। जिसने भी भरोसा किया, जो कंटिन्यू चलता रहा, यानी इसका मतलब होता है कि असली पीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 100% सक्सेस रेशियो है। 100%, मैं 99.9 की भी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास ये उदाहरण है, मेरे पास ये प्रूफ है कि एक भी हमारा फाइटर्स जिसने कैरियर लगाया और जो बातें बताई गई उसके ऊपर चला और आज वो करोड़पति नहीं है। दूसरी बातें मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी असली पीएस फाइटर्स और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि असली पीएस में आज सैकड़ों करोड़पति बने हैं और आगे आने वाला दिनों में हजारों करोड़पति बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला है असली पीएस जैसा, आपको इंडिया के सबसे दमदार अपलाइन मिले हैं, तो कुछ चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सक्सेस होने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में ब्रांड बनने के लिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक गुरु को चूज करना पड़ेगा। बिना गुरु के दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बना है। आज अगर किसी की भी बात किया जाए तो आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक भी डायरेक्ट सेलर नहीं है जिसने गुरु को चूज नहीं किया और वो सक्सेस हुआ है। मेरे सक्सेस का राज या आज असली पीएस में जितने भी बड़े अचीवरों की बात करूं, ये सारे अचीवर कहीं ना कहीं एक गुरु को फॉलो करते हैं। मैं आप सभी असली पीएस फाइटर्स और सभी देशवासियों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सक्सेस होना है तो आप एक गुरु को चूज कीजिए और अगले 5 साल तक वो कुछ भी बोले उसको आप फॉलो कीजिए। मैं दावा देता हूं कि आज सफर का शुरुआत आप साइकिल से किए हैं, आज आप बाइक से किए हो, लेकिन 5 साल बाद आपके पास भी ऑडी जैसी, मर्सिडीज जैसी, जैगुआर और पोर्श जैसी गाड़ियां होगी। मैं 100% विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। आपके नाम के आगे भी करोड़पति का नाम लगा होगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज के बाद गुरु की बातों को इग्नोर मत करना। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी जो बड़ा अचीवर बना है, चाहे वो शिव कुमार की बात किया जाए, चाहे वो अमित सर की बात किया जाए, चाहे वो अवनीश शर्मा जी की बात किया जाए, नसीब खान जी की, किसी की भी बात किया जाए, तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने एक गुरु को चूज किया और उसको फॉलो किया। पहली मैसेज तो आज के बाद आपका गुरु जो भी बोलता है, आपका मेंटर जो भी बोलता है, उसको आप फॉलो कीजिए। सेकंड मैसेज मेरा ये है कि डियर फ्रेंड्स, आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर इस इंडस्ट्रीज में अगर आपको सक्सेस होना है, आपको टॉपर बनना है, तो आपको सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन पर भरोसा करना पड़ेगा, आपके कंपनी के हर एक्टिविटी पर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर विश्वास अगर नहीं है तो दुनिया में कोई भी आपको टॉपर नहीं बना सकता। विश्वास आपको खुद करना पड़ेगा। आज शिव कुमार अगर यहाँ पर पहुंचा है तो मुझे विश्वास था बिजनेस के ऊपर, मुझे भरोसा था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अगर देखा जाए डियर फ्रेंड्स, तो हमने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स आपके बीच आए, अमित दुबे सर आए, इन्होंने MBBS की पढ़ाई को छोड़ा, बसरा राजू जी, आज कौशल जी, विकास सर, अवधेश नारायण जी, ज्ञानेंद्र शर्मा जी, आज हमारे गुरु जी महिपाल सर की बात किया जाए, तो ये वो शख्स हैं जिनकी बात किया जाए तो इन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जॉब को ड्रॉप किया, अपने पढ़ाई को छोड़ा। क्यों? क्योंकि एक प्रबल विश्वास था कि हम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में रिकॉर्ड बनाएंगे, हम डायरेक्ट सेलिंग में एक नई क्रांति लाएंगे। जिन भी लोगों ने विश्वास किया है, आज सारे लोग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के टॉप अचीवर हैं। डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, क्राउन डायमंड है, रॉयल डायमंड है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आज देखा जाए तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए असली पीएस के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर और खुद के ऊपर। और एक मैसेज और मैं देना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स, रातों रात सक्सेस नहीं मिलेगी। अपने आप को आपको झोंकना पड़ेगा। 5 साल तक अगर लाइफ की बात किया जाए, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लोग सक्सेस होना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सारे लीडरों को मर्सिडीज चाहिए, जैगुआर चाहिए, ऑडी चाहिए, लेकिन डियर फ्रेंड्स, स्ट्रगल करना कुछ लीडर चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक हार्ड स्ट्रगलर बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। मैं दावा देता हूं 3 से 5 साल आप बिजनेस के लिए समर्पित हो जाइए, अपने आप को झोंकिए। मैं दावा देता हूं कि एसलीपीएस वो प्लेटफॉर्म है, 5 साल में यहाँ पर 100% एसोसिएट के सपने पूरे होते हैं। तो आप अपने आप को झोंक दीजिए अपने 5 साल के लिए। आप घर, समाज, परिवार एक साइड में रखिए और आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए एसलीपीएस के लिए, समर्पित कीजिए। दोस्तों मैं दावा देता हूं कि आपके नाम के आगे भी करोड़पति का स्टैंप लगा पैदा होगा। आज आप बाइक से हैं, आगे आने वाले दिनों में आप मर्सिडीज और पोर्स से होंगे। और सभी असली पीएस फाइटर से मेरी एक गुजारिश है, अगर अभी देखा जाए तो मैं समझ सकता हूं कि अभी स्थिति भयावह है, देश में लॉकडाउन है, कोरोना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो सभी असली पीएस फाइटर्स अपने आप को सेफ रखते हुए काम करें, ऑनलाइन काम करें, ऑफलाइन काम करें, अपने आप को सेफ रखते हुए काम करें। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो काम को कभी ब्रेक नहीं करते हैं, वो काम करने के तरीके को चेंज करते हैं। चाहे वो किसी बिजनेसमैन की बात किया जाए, चाहे वो राजनेता की बात किया जाए, या डायरेक्ट सेलर्स की बात किया जाए, या एसलीपीएस फाइटर्स की बात किया जाए। डियर फ्रेंड्स, हम सभी लीडरों को काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमने अपने तरीकों को चेंज किया है और मैं अपने ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि मैं लगातार काम को किया हूं, लेकिन मैं फुल प्रिकॉशन लेता हूं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, हम एसलीपीएस के सारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो किसी की भी बात किया जाए तो अपने इम्यून सिस्टम को, अपने इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ेगा। और डियर फ्रेंड्स, डियर एसलीपीएस फाइटर्स, हम लोग लकी हैं कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। और आज अगर हेल्थ सेक्टर की बात किया जाए तो हेल्थ सेक्टर का बिजनेस 4 गुना मल्टीपल हुआ है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इंडिया के सबसे अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं। तो आप सभी फाइटर्स एक लोगों के पास एक मैसेज को दीजिए कि हमारा प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम को सबसे अच्छा डेवलप करता है, हमें सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास संजीवनी है। अगर देखा जाए तो आप भी अपने घरों में प्रोडक्ट को यूज कीजिए, वायरल डॉग, इम्यूनोडॉग, पंच तुलसी, कवात, गिलोय, और अगर देखा जाए तो हम लोग गोल्डन मिल्क भी ले रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट को कंटिन्यू अपने घरों में पहुंचाइए, अपने फैमिली के अंदर जितने भी आपके सदस्य उनको बताइए और अपने रिलेटिव में भी बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है इस समय अपने आप को और अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को बचाना। दोस्तों, सबसे पहले आप इस मैसेज को पहुंचाइए कि अगर आप सभी को सुरक्षित रहना है तो सारे घरों में एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज किए जाएं, क्योंकि ये हमने अपने आप पर प्रूव किया है, अपने परिवार पर हमने इसको दिया है, और आज हम लोग उसी के कारण सुरक्षित है। इसके बाद समाज में बताइए, जितने भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, जिसको भी आप जानते हैं, जिसका आप भला चाहते हैं, उन सभी लोगों को भी एसलीपीएस के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन रिजल्ट जिन भी लोगों ने यूज किया, उन्होंने कोविड के ऊपर काबू पाया है। तो आप लोग समाज के पास पहुंचाइए कि एसलीपीएस का प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, क्योंकि आज मैं अपने सिटी में आया हुआ हूं, मैं औरंगाबाद में आया हुआ हूं, और मुझे खुशी हुआ कि मैं कुछ मेडिकल स्टोर पर गया जहां पर एसलीपीएस के प्रोडक्ट रखे हुए थे, और वो मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, लेकिन जब उन्होंने बोला कि सर एसलीपीएस का प्रोडक्ट है, वो संजीवनी है, और सर यहाँ पर वायरल डॉग खत्म हो गया, वायरल डॉग का डिमांड चल रहा है। और दुकानों पर गया तो कोई बोलता है पंच तुलसी अभी खत्म हो गया है, पंच तुलसी अभी आना बाकी है। जिस तरीके से लोग पतंजलि के प्रोडक्ट को लोग मार्केट में ढूंढते हैं कि मुझे ये मिले, कोरोलिन मिले, उस तरीके से मैं यहाँ पर देखा कि एसलीपीएस के प्रोडक्ट को लोग डिमांड कर रहे हैं। तो हमें खुशी हुआ कि नहीं, हमारे फाइटर्स ने घर घर में एसलीपीएस के प्रोडक्ट के बारे में बताया है और लोग इसका फायदा ले रहे हैं। तो जितने भी एसलीपीएस फाइटर्स हमें सुन रहे हैं, उन सभी से गुजारिश है कि आप प्रोडक्ट को घर घर में पहुंचाए और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा। और डियर फ्रेंड्स, हम लोग हेल्थ सेक्टर में हैं और हेल्थ सेक्टर का बिजनेस हमेशा मल्टीपल होता है, तो हम आशा करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और आप समाज का भला करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही आपको मैसेज देना चाहता हूं कि आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, आप सभी के अंदर हनुमान है। अगर हनुमान की अगर बात किया जाए तो हनुमान में इतनी बड़ी ताकत थी कि वो पूरे पहाड़ी को उठा सकते थे, वो पूरी लंका को जला सकते थे। लेकिन जब वो पर्वत पर गए संजीवनी लाने के लिए तो ढूंढने लगे संजीवनी बूटी को, लेकिन किसी ने उनको एहसास दिलाया कि हनुमान तेरे अंदर तो वो पावर है कि तुम पूरी पहाड़ी को उठा सकते हो, और उन्होंने पूरी पहाड़ी को उठाया और लक्ष्मण का जान बचाया। तो डियर एसडीपीएस फाइटर्स, डियर डायरेक्ट सेलर्स, आप सभी में वो मेरिट है कि आप शिव कुमार बन सकते हो, आप महिपाल सर बन सकते हो, आप अमित दुबे सर बन सकते हो, लेकिन खुद पर भरोसा करो, खुद पर विश्वास करो और बिजनेस के लिए झोंक दो। अगला शिव कुमार आप हो, अगला महिपाल सर आप हो। और हमने भी भरोसा किया, विश्वास किया एसडीपीएस के ऊपर। और आज मैं बताना चाहता हूं, मुझे डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एसडीपीएस से पहले भी हमने 9 साल काम किया, यहां पर भी 4 साल 10 महीने काम किया, और हमने एक दिन का भी गैप नहीं दिया। और आज भी डेप्थ तक अपने डाउनलाइन के साथ जुड़े हैं, एसडीपीएस के लिए समर्पित है। आज टीम का सहयोग है, टीम का साथ है, और हमारा एसडीपीएस फाइटर्स हमारा फाइटर्स नहीं, हम अपनी परिवार की तरह जानते हैं, हमारे सीनियर हमें अपने परिवार की तरह जानते हैं। और आज एसडीपीएस का पावर है कि केवल 4 साल 10 महीने के अंदर आज 13 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट आया, मोर देन 13 करोड़। और आज एक नहीं, आज 2 सुपर लग्जरी ब्रांड कार ऑडी और पोर्स जैसी गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। अगर हमारे अंदर ऐसा होता तो कभी हम 5,000 की जॉब में नहीं जाते। अगर 5,000 से 35 से 40 लाख पर मंथ का इनकम, पिछले कोई 6 महीने का स्टेटमेंट मेरे से मांगे, 7 महीने का स्टेटमेंट मांगे पर मंथ, एसडीपीएस की वजह से हमारे घर में आता है। और मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर मेरे पास ये अचीवमेंट आ रही है, आप हर फाइटर्स एसडीपीएस के ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए और 5 साल के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। मैं दावा देता हूं ये अचीवमेंट आपके पास भी आएगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं अब ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है। हमें अभी एक ऐसे पर्सनालिटी को सुनने का मौका मिलेगा जिनकी बातों की बात किया जाए तो उनकी बातों में एक अमृत है। और आज अगर शिव कुमार यहाँ पर पहुंचा है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे गुरु जी का है। गुरु जी ने हमें पग पग सपोर्ट किया। और अगर टीम की बात किया जाए, एसडीपीएस का इतना बड़ा कारवां खड़ा हुआ है तो उसके पीछे उस महापुरुष का रोल है। दोस्तों, मैं पुरुष नहीं बोलता हूं, वो महापुरुष है। और अगर मैं देखूं तो आज इंडिया नहीं, अगर वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो सबसे अच्छे गुरु, सबसे विजनरी गुरु हमारे पास है। जितने भी देशवासी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश है कि अगर आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं तो एक बार लिंक शेयर करें और गुरु जी की बातों को जरूर सुने, क्योंकि गुरु जी को सुन के आज शिव कुमार 4 साल 10 महीने में 13 करोड़ पर पहुंचा है। तो कहीं आपको भी अगर गुरु जी की अमृत वाणी समझ में आ जाएगी तो आप भी यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो अब मैं गुरु जी को कॉल करना चाहूंगा। सभी देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि एक जोरदार तालियों के साथ गुरु जी का अभिवादन करें। सो वेलकम आवर रोल मॉडल मिस्टर महिपाल सर, प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगेन आप सभी असली पियस वेलनेस फाइटर्स को मेरा नमस्कार, सभी अचीवर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि जब हम ऑनलाइन कोई भी शो करते हैं तो तकरीबन 1 घंटे के आसपास का हम लोग करते हैं, लेकिन आज का हमारा ऑनलाइन शो तकरीबन 2 घंटे और 10 मिनट का हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि अभी भी आप सारे लोग यहाँ पे बने हुए हैं। ये इस चीज को साबित करता है कि आपके लिए लाइफ में कोई सेकेंड चीज कोई और हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ में आज भी प्राथमिकता किसी चीज की है और फर्स्ट कोई चीज प्रायोरिटी आपकी लाइफ में है तो असली पियस वेलनेस है। दोस्तों, हमारी तरफ से, आपकी तरफ से और पूरी असली पियस वेलनेस फैमिली की तरफ से जितने भी लोग आज डायमंड, ब्लू डायमंड और क्राउन डायमंड है, इन सबको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही कल हमारे जयपुर टीम से मिस्टर नरेंद्र जी ने ODA 4 ली है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, असली पियस वेलनेस क्या है, कैसे नहीं है, मैं आपको बताऊं कि बाकी जगह कहीं भी आप जाइए, डायमंड बनने के बाद लोग सोचते हैं कि हम ओडी गाड़ी लेंगे, BMW लेंगे, फॉर्च्यूनर लेंगे, लेकिन कल जो भी गाड़ी ODA 4 नरेंद्र जी ने ली, उसमें ये बोल सकते हैं कि असली पीएस वेलनेस वो ताकत देती है कि बिना डायमंड बने भी यहाँ पे लोग लग्जरी गाड़ी ले रहे हैं और आप भी ले सकते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले इसी पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। कल जब नरेंद्र जी ने ODA 4 ली और मैंने फेसबुक पे उनका पोस्ट डाला, तो किसी एक लीडर ने मुझे मैसेज किया कि गुरुजी ऐसा कब होगा कि हमारी गाड़ी को भी आप अपने पास से आप प्रमोट करेंगे और हम चाहते हैं कि आप प्रमोट करें, हम जब गाड़ी लें। तो मैंने सोचा कि सर जब तक लग्जरी गाड़ी लेंगे तो हम लोग प्रमोट करते रहेंगे, और अभी भी जहां भी कोई लीडर हमारा लग्जरी गाड़ी लेता है तो मैक्सिमम आज तक ऐसा हुआ है 98% कि मैं उस गाड़ी की डिलीवरी के अंदर पक्का गया हूँ। लेकिन बाद में मैंने सोचा तो क्या हो सकता है, लेकिन मैं आज फिर बताता हूँ। फिर मैंने एक चीज सोची कि आज असली पीएस वेलनेस में जितने भी लोग गाड़ी लेंगे, हर दिन ही गाड़ी ले रहे हैं और दिन में कई कई गाड़ी ले रहे हैं, तो सबका पोस्ट तो नहीं डाल सकते, सबकी फोटो भी हमारे पास आ नहीं पाती है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा और आज को वादा करता हूं कि करूंगा कि हमारी टीम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी 8990 की गाड़ी लेगा, उसका पोस्ट मेरे पास भेजना, मैं जरूर उसका फेसबुक पे डालूंगा। मैं सिर्फ ये कमिटमेंट आपसे कर सकता हूँ, चाहे गाड़ी कोई सी भी हो। अगर उसका नंबर जिस दिन आपका आ जाए, अपनी गाड़ी के नंबर के साथ आप जरूर उसका फोटो खिंचवा के डालिएगा, हम उसका पोस्ट करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आपकी गाड़ी कोई सी भी हो आप, लेकिन जल्दी जल्दी लग्जरी गाड़ी में आएंगे। तो दोस्तों, आज से कुछ समय पहले असली पीएस वेलनेस की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत एक विश्वास के साथ हुई थी, एक उम्मीद के साथ हुई थी। हाँ, सोचा था कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन मैं रियल बताऊं, इतना तो नहीं सोचा था कि इतना बड़ा करेंगे। दोस्त, ये मेरी पावर नहीं है, शिव कुमार सर की पावर नहीं है, अमित सर की पावर नहीं है, ये पावर किसी और चीज की है, ये पावर कोई और चीज दे रही है। और वो पावर जो मुझे मिल रही है, वो पावर आपको भी मिल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, aslipiaswellness.com पे रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ है और www.aslipiaswellness.com पे ही रजिस्ट्रेशन आज आपका भी हुआ है, और जितने लोग सुन रहे हैं, जो सुनेंगे उनका भी होगा। तो यकीन मानिए, मेरी कंपनी के अंदर उस टाइम जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो 7 प्रोडक्ट थे, आज तकरीबन 80 प्रोडक्ट के आसपास हम लोग कंपनी के अंदर लेके आए हैं। उस टाइम इतने अचीवर नहीं थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा अचीवर है। मैं ये कह सकता हूं कि पहले के बजाय असली पीएस वेलनेस में कामयाबी लेना और ज्यादा आसान हो गया है। पहले के बजाय असली पीएस वेलनेस में भरोसा करना, विश्वास करना और ज्यादा आसान हो गया है। पहले की बजाय लोगों को जो ग्रोथ मिल रही थी, उसके बजाय और ज्यादा आसान हो गई है। पहले लोग बोलते थे कि दिखाओ क्या है, आज आप जब दिखाना शुरू करते हो ओडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर जैसी गाड़ी की लाइन, तो शायद देखने वाला पागल हो जाता है और वो बोलता था बस इतनी बहुत है। आज जब करोड़पति के बारे में आप बताना शुरू करते हो तो सामने वाला बोलता है बस इतने बहुत है। दोस्तों, रिकॉर्ड है, 1996 से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, और आज हम चैलेंज करके रिकॉर्ड बोलते हैं कि कंपनी चाहे 6.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन पिछले टाइम की अगर मैं बात करूं तो 20 साल, 25 साल, 26 साल का टाइम हो गया है। आज 25 साल के अंदर हिंदुस्तान में कोई सिंगल कंपनी ऐसी नहीं है जिसके शुरू के 6.5 साल के अंदर 100 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है। कोई सिंगल कंपनी नहीं है, ये हम चैलेंज करके बोलते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, आज हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। आज हम काम विश्वास के साथ और बिलीव के साथ क्यों करें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केट में भी आज हमसे अच्छे प्रोडक्ट हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में आप छानबीन करके ले जाए, कोई सिंगल फैक्ट्री, कोई सिंगल कंपनी बनाती नहीं है जो कि हमारी कंपनी बनाती है। दोस्तों, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हमारे प्रोडक्ट की ताकत समझाता हूं, और आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिजनेस होता रहेगा। इस टाइम जो दौर चल रहा है, ये दौर थोड़ा अलग टाइप का दौर है। इस दौर की सबसे बड़ी बात करें कि हम लोगों की प्राथमिकता और अचीवमेंट होना चाहिए कि हम, हमारा परिवार और हमारे अपने लोग बचे रहे, और लोगों को बचाने के अंदर हम मदद करते रहे। इसके लिए आज अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को पीने के लिए प्रेरित करें। आपकी टीम में आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई आदमी ज्वाइन हुआ था, लेकिन वो आज काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मत करने दो। वो हमारे परिवार में आया, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। आप उन लोगों को फोन कीजिए तो 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले आपके साथ ज्वाइन हुए थे, और उनको बताइए कि सर आप काम मत कीजिए, लेकिन इम्यूनोडोग और वायरल डोग तब तक तो कम से कम पीते रहिए जब तक ये कोरोना कंट्रोल नहीं हो जाता है। आप कप डोग, हमारा गोल्डन मिल्क, थंडर ब्लास्ट, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड, ये आप तब तक पीजिए। हमें नहीं चाहिए आपसे नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नहीं चाहिए आपसे बिजनेस, लेकिन आप कुछ ऐसा तो कीजिए जिससे आपका परिवार बसता रहे। और दोस्तों ये धर्म का काम होगा, मैं रियली बता रहा हूँ, ये काम आज के बाद आप सारे लोग करना। और दूसरी बात एक चीज और बता दो दोस्तों, आसान है लोगों को बताना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है उस रूल को अपने ऊपर लागू करना और अपने परिवार में लागू करना। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से लोगों के लिए हम लोग बताते हैं, उसी तरीके से आपको एक काम और करना है, और वो काम ये करना है कि आपको भी अपने पूरे परिवार के अंदर अपने जो जो प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने से रिलेटेड, जैसे इम्यूनोडोग हो गया, थंडर ब्लास्ट हो गया, गोल्डन मिल्क हो गया, कप डोग हो गया, वायरल डोग हो गया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप अपने परिवार में कंटिन्यू चलाइएगा। ये मेरी हाथ जोड़ के आपके साथ रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि दुनिया को कुछ होगा लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस बीमारी में हमारा बचाव ही इलाज है। क्यों हम डॉक्टर के पास जाएं, क्यों हम लाखों रुपए खर्च करें, जब हमारे पास हमारी कंपनी ने इतने अच्छे प्रोडक्ट बना दे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, एक कोई कंपनी थी, एक मतलब फैक्ट्री थी, और ये रियल स्टोरी है। उस फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा था और उस फैक्ट्री में तकरीबन 100 के आसपास लोग काम करते थे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग उसमें सीनियर लेवल पे थे, जैसे सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, और जो भी बड़े ऊपर लेवल के लोग हो गए। तो उन लोगों ने डिस्कशन करके और हमारी कंपनी से वायरल डॉग मंगवा लिए। कहीं से उनको पता चला कि असली पियस वेलनेस वायरल डॉग बनाती है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो वायरल डॉग उन्होंने मंगवा लिए। अब वो लोग क्या करने लग गए, अपनी कंपनी के जितने भी लोग काम करते थे उस कंपनी में सारे लोगों को सुबह सुबह वायरल डॉग पिलाते बाई ऑर्डर, और शाम को भी वायरल डॉग पिलाते। कुछ दिनों के बाद जब पूरी कंपनी में टेस्ट हुआ, तो आप आश्चर्यजनक बात बताऊं लेकिन रियल है ये, कि उस कंपनी के जितने 100 के आसपास लोग काम करते थे उसमें से सारे के सारे लोग नेगेटिव थे, किसी को भी कोरोना नहीं था। लेकिन उसी कंपनी के जो 8-10 लोग सीनियर थे, जो उन बाकी लोगों पे कंट्रोल किया करते थे, उनको पिलाया करते थे, उनमें से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए। इस बात को मुझे आज बताने की जरूरत इसलिए हुई कि हम में से भी कई लोग ये गलती करते हैं कि लोगों को तो हम बताते हैं ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो चीज अपने ऊपर लागू नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, आप प्रोडक्ट को प्रमोट भी कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट प्रमोट करके आपको पैसा कमाना मकसद नहीं है। ये प्रोडक्ट प्रमोट करके आप जब किसी की जिंदगी बचाते हैं और आप किसी के परिवार के अंदर एक खुशी का काम बनते हैं, तो लोगों की दुआएं आपके काम आती हैं। ये दुआएं आपके बिजनेस को ऑटोमेटिकली चला देंगे। दोस्तों इस काम के लिए मैं बताऊं कि सबसे पहले मैं आज जहां भी हूं, मेरी वजह से, मैंने बताया मैं नहीं हूं, इस कंपनी की वजह से ही हूँ। आज हमारे रेस्पेक्टेड एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव सर, जिन्होंने इतनी अच्छी नीयत के साथ और इतनी अच्छी सोच के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके वजह से हम जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी मेरे जैसे ही थे, शिव कुमार सर जैसे ही, वो लोग बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, और असली पीएस वेलनेस ने दोबारा से एक उम्मीद जगाने का काम किया और उस उम्मीद को पूरा कराने का काम किया। दोस्त असली पीएस वेलनेस, अब भी मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे असली पीएस वेलनेस में कर रहे हैं, किसी और भी कंपनी में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस काम को आराम से समझिएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा, मैं पूरी नहीं बताऊंगा लेकिन कट करके बताऊंगा। सुबह सुबह मुझे किसी ने मैसेज किया, एक मिनट बताता हूं किसने किया, कोलकाता साइड से कोई बंदा था जिसका नाम रूपा जायसवाल था, एक लड़का था जिसका नाम रूपा जायसवाल था, और उसने मुझे कुछ चीजें भेजी। सुनिए मजा आएगा। किसी बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े लीडर, जिनका लाखों का नेटवर्क है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा लीडर जिसका लाखों का नेटवर्क है, और वो कंपनी के मैन लोगों की, अपनी कंपनी के अच्छे रैंक के लोगों की जूम मीटिंग ले रहे थे। जब जूम मीटिंग ले रहे थे तो हमारी कंपनी के जितने भी ट्रिप हैं, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर वाला है, या आगे के जितने भी हैं, वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेके और उनकी स्लाइड बना रखी और अपने लोगों को पता नहीं क्या ब्रीफ कर रहे। उसके बाद आगे की स्लाइड में उसने मेरे 2 फोटो लगा रखे। मजा आएगा आपको सुन के। एक साइड में मेरा फोटो लगा रखा था जिसमें 94,50,000 का एक चेक था, और दूसरी साइड में फोटो लगा रखा जिसमें 1,51,00,000 रुपए का चेक लिखा हुआ था। और वो अपने लोगों को ये समझा रहे हैं कि देखिए इनका एक चेक इस डेट में आया था 2019 में, और अगला चेक उसकी रिकॉर्डिंग भी आई मेरे पास, उस वीडियो की किसी ने रिकॉर्डिंग करके भेजी, जैसे जूम पे किसी ने रिकॉर्ड किया। इनका अगला चेक जो आया वो 12 महीने के बाद आया। और हमारी कंपनी में तो कई लोग हैं जो एक साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। तो दोस्त मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वहां तक मेरा वीडियो पहुंचे तो पहुंचना भी चाहिए। ओपन चैलेंज करके बोलते हैं साहब, क्योंकि हम असली पीएस वेलनेस में काम करते हैं और पिछले साल के उसके बाद मैं उठा, मेरी आईडियो पे मैंने टोटल एक साल की इनकम कैलकुलेट की, और मैं ये बोल रहा हूं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम मेरी जो टोटल आई हुई है 5 करोड़ 35 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। और अगर इसको 12 महीने में आप डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 44 लाख और 54 या 55 हजार रुपए के आसपास का एवरेज बनता है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई साहब, आप किसी भी कंपनी के कितने भी बड़े लीडर हो, लोगों को गुमराह करने से लोग कभी बचेंगे नहीं। लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि तुम ये बोलते हो कि एक साल में 1.5 करोड़ कमाए, हम यहाँ दिखाएंगे विद बैंक प्रूफ के साथ, क्योंकि यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता, सच्चाई के साथ काम करते हैं, तो लोग उस दिन ये बोलेंगे कि सर आपने तो हमें भ्रमित करके यहाँ रख लिया। और मैं अपने असली पीएस वेलनेस के सारे लीडर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी के साथ झूठा कमिटमेंट, किसी के साथ भ्रमित ना करें, सच्चाई के साथ काम करें। हमारी कंपनी का कोई भी, अगर किसी को लगता है कि दूसरी जगह उसको बहुत बड़ा काम कर लेगा तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ सच्चाई के साथ जाएगा। तो सर रियली ये रिकॉर्ड है कि आज 44.5 लाख रुपए का पर मंथ का एवरेज असली पीएस वेलनेस जैसे महान और ग्रेट प्लेटफॉर्म की वजह से मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। और ये मैं ओपन बोल रहा हूं, अगर लगे कि नहीं होता तो आ जाना भैया, आईडी भी दिखाएंगे, बैंक स्टेटमेंट भी दिखाएंगे, आईटीआर भी दिखाएंगे, फॉर्म 16 भी दिखाएंगे। अगर और भी कुछ आपको देखना हो तो बिल्कुल दिखाएंगे। और उसके बाद आपको लगे कि आपको हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए तो आपका स्वागत है, बिल्कुल करनी भी चाहिए। आप नहीं तो आपके लोग तो कर ही लेंगे। दोस्तों ये बात अलग थी, लेकिन ये रियल है। किसी बंदे ने मुझे मैसेज भेजा है, रूपा जायसवाल करके कलकत्ता से कोई बंदा है, उसने भेजा है, तब मुझे पता चला कि लोग किस तरह से करते हैं। लेकिन फिर भी लॉकडाउन का टाइम है दोस्तों, हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी देखिएगा। कमजोर लोग हर जगह समस्या देखते हैं और ताकतवर लोग हर मुश्किल में एक समाधान और अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और यही कारण है कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और दोस्तों कॉन्फिडेंस डेवलप होने के लिए दो चीजें यहाँ पे होंगी। पहली चीज ये होगी कि आप जिस प्रोडक्ट का रिजल्ट लोगों को दे रहे हैं और आपके परिवार में जब यूज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे और लोग आपको सामने से आके अप्रिशिएट करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि सर आपके प्रोडक्ट से मजा आ गया और आपके परिवार में फायदा हो जाएगा। तब ये समझना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। और आप एक काम और कीजिए, अभी बिजनेस कोई नहीं सुनता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा साहब, क्योंकि प्रेजेंट टाइम ऐसा बन रहा है कि लोग जानकारी नहीं होने की वजह से और गलत चीजों के चक्कर में फंसने की वजह से अगर मार्केट में कोई अफवाह फैला देता है कि इस चीज को खाने से कोरोना में बचाव हो जाएगा, तो मैं सच बताऊं कि लोग उस चीज को भी खाने के लिए चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम सही चीज प्रमोट करें। ये एक देश सेवा का ही काम है, ये अपने लोगों की सेवा का ही काम है। आप सही चीज को प्रमोट करें और उनको बताएं कि आप इस प्रोडक्ट को यूज किए और बाद में मत करना, लेकिन तब तक करो जब तक कोरोना से हम लोग कंट्रोल नहीं कर लेते हैं। दूसरी चीज, आपका कॉन्फिडेंस उस दिन बढ़ जाएगा जब असली पीएस वेलनेस से आपके अकाउंट में चेक आ जाएंगे। और मैं ये बोल सकता हूँ कि दोस्त एंबेसडर तक इस कंपनी से इतने कम टाइम में बने हैं, तो आपको एंबेसडर तक बनने की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ लिख के, कि आप भी अगर लगातार लगे रहे। किस तरह से जिस दिन से मैंने शुरुआत की थी उस दिन से लेकर आज तक इस काम को मैंने अपना काम समझा है। इस काम को मैंने कभी भी अपलाइन का काम नहीं समझा, इस काम को मैंने कभी भी टीम का अपलाइन काम नहीं समझा, इस काम को कभी भी कंपनी का काम नहीं समझा। जिस दिन आप इस काम से ऐसे समझते हैं कि आपका काम है, क्योंकि दोस्तों पैसा आपके घर में आना है, जिंदगी आपकी बदलनी है, कार आपकी आनी है, अचीवमेंट आपको आना है, सक्सेस आपको मिलनी है, तो याद रखिएगा काम भी आपका है। कई लोगों को ऐसा लग जाता है कि अपलाइन ने मुझसे ये कमिटमेंट किया था, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये बोला था। दोस्तों मुश्किलें और बाधाएं हजार हैं आपको आपके टारगेट से हटाने के लिए, लेकिन आपको टारगेट पे पहुंचाने के लिए, आपकी मंजिल पे पहुंचाने के लिए एक कमिटमेंट काफी है। कि जब किसी एक आदमी को, मिस्टर अमित दुबे जी को, एक कंपनी क्राउन डायमंड बना सकती है, तो आपको भी बनाने के लिए कंपनी का आई है और आपकी आईडी भी सिर्फ इसीलिए हुई है क्योंकि दोस्त दो चीजें होती हैं, कुछ चीजें किस्मत से मिलते हैं, कुछ कर्मों से मिलते हैं। हम सबकी किस्मत अच्छी थी कि असली पीएस वेलनेस हम लोगों को देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, करने का मौका मिला और आज सुनने का मौका मिल रहा है। और ये हमारे कर्म है जो हमें ब्रांड एम्बेसडर तक लेके जाएंगे, क्योंकि किस्मत ने अपना काम कर दिया है, किस्मत ने अपना काम कर दिया है। अब बारी है आपके कर्मों की, उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की। दोस्तों, इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब लोगों को बोलते हैं कि 12 करोड़ कमा लिए, 15 करोड़ कमा लिए, 7.5 करोड़ कमा लिए, 40 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी काम का मुश्किल तब तक है जब तक उस काम की शुरुआत ना की जाए। आप सोच के देखिए, जब हम साइकिल चलाने के लिए चढ़े थे तब बड़ा डर लगता था कि यार इसके नीचे तो कोई स्टैंड नहीं है, जगह नहीं है, पतले पतले टायर है, कैसे स्टैंड कर पाएंगे, कैसे चल पाएंगे, और गिरे थे। लेकिन जब साइकिल चलाई तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हम हाथ छोड़ के भी चलाने लग गए। जब बाइक चलाई तो डर लगा, कार चलाई तो डर लगा कि यार साइकिल तो हमारे कंट्रोल में है लेकिन कार तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। साइकिल चलाने वाले, कार चलाने वाले आदमी को ये सोच के डर लगता है कि हवाई जहाज चलाना तो बहुत मुश्किल होगा, कैसे उसको उड़ाया जाता होगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊं कि साइकिल, बाइक और कार सबसे आसान अगर कोई चीज चलाना है तो वो हवाई जहाज चलाना ही है। ऊपर जाके वो लोग ऑटो पायलट में फ्लाइट को डालकर खाना खाने बैठ जाते हैं और 2 घंटे तक लगातार फ्लाइट उड़ती रहती है अपने हिसाब से। ऐसा कभी भी साइकिल में नहीं होता, ऐसा कभी भी कार में नहीं होता है, लेकिन ऐसा हवाई जहाज में होता है। लेकिन आसान है वो चीज, इसका मतलब जो चीज जितनी बड़ी है उतनी दूर से डरावनी लगती है, मुश्किल लगती है, लेकिन जो चीज जितनी बड़ी है वो उतनी ही ज्यादा आसान है। बस मुश्किल तब तक है जब तक उसके अंदर घुसा ना जाए। तो दोस्त, आप जितने भी लोग हैं डिसीजन लीजिए आज, और जितने भी लोग हैं ये भी डिसीजन लीजिएगा कि आपको बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म मिला है, आप रियली बहुत बड़े बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, आप भी यहाँ पहुंचेंगे। आपकी कामयाबी के लिए ये कंपनी, आपके अपलाइन, मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग सारे लोग मिलकर दिन रात एक कर देंगे। आपकी सक्सेस में जहां भी इतना सा भी कांटा लगेगा, उस कांटा निकालने के लिए सबसे पहले अगर कोई खड़ा होगा तो ये कंपनी और ये आपके अपलाइन रहेंगे। क्योंकि दोस्त, अच्छे प्लेटफॉर्म किस्मत से मिलते हैं। आप सोच के देखिएगा, इस कोरोना टाइम में हर आदमी लूटमार पे लगा हुआ है, लोगों को शर्म नहीं आती, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन गलत तरीके से बना रहा है, कोई ब्लैक कर रहा है, कोई कालाबाजारी कर रहा है। लेकिन इसी धरती के ऊपर ऐसे लोग भी हैं, संजीव सर जैसे, जो आज इतना भयंकर और पुण्य का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर शहर में जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाना, दोस्तों इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। आप सिर्फ समझना है तो इतना समझिए। लोग कई बार मेरे पास प्लान देने के लिए आते हैं और वो एक चीज पूछते हैं मुझे कि सर क्या आपकी कंपनी में जितना पैसा लिखा हुआ है क्या कंपनी इतना दे पाएगी। दोस्त मैं कहता हूं इतना तो नहीं दे पाएगी, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा दे पाएगी। ये कंपनी वही पैसा नहीं देती है जो प्लान में लिखा हुआ है, ये कंपनी वो पैसा भी देती है जो प्लान में नहीं लिखा हुआ है। आज कंपनी ने अमरावती से ऊपर लेवल के लिए जो सिक्योरिटी की एक योजना शुरू की, वो कहाँ प्लान में लिखा हुआ था। इससे आप समझिए कि नियत है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो कभी, लेकिन जो कंपनी ने शुरुआत की वो कहाँ प्लान में लिखा हुआ है। अभी अचानक आप देखिए, दीपावली पे हम सब लोगों के घर में असली पीएस वेलनेस की वजह से मिठाई आई है। आज तक के इतिहास में, 25 साल के इतिहास में, किसी एक MLM कंपनी ने अपने लोगों के लिए ऐसा किया है तो मुझे बताइएगा। सोच के नहीं किया होगा सर, इतना करने की सोची भी नहीं होगी, करना तो बहुत दूर है। यानी कि जो नहीं लिखा हुआ है वो भी दे रही है। अभी किसी के साथ भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो लोग परेशान है उनको खाना खिला रही। दोस्तों ये चीज फ्री में नहीं होती है और ये चीज नियत से होती है। और यही कारण है कि किसी का बिजनेस कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन अच्छी नेक नियत की वजह से आज असली पीएस वेलनेस और उनके लोगों का बिजनेस, हालात, परिस्थिति कोई भी हो, हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि दोस्त आज बदले तो इस सबसे अच्छे लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग ऐसे ही लगे रहिएगा, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। आज थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए कम बात करेंगे, अगली बार आके आपसे 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार और ज्यादा बात करेंगे। हम सब की तरफ से इस कंपनी में बहुत ही शानदार अचीवमेंट लेने पर अमित दुबे जी को अगेन दिल से बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहे। ब्लू डायमंड मिस्टर राज चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई, हमारे सारे डायमंड्स को बहुत बहुत बधाई, शिव कुमार सर को बहुत बहुत बधाई कि सर आप अपनी टीम में ऐसे ही अचीवमेंट की लाइन लगाए रखें। ये कंपनी और हम लोग मिलके इतना बड़े आगे तक जाएंगे और इतने बड़े इतिहास रचेंगे कि जो लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो सपने हम पूरे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज के इस वेबिनार को सक्सेसफुल करने के लिए। लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा समय से हमारे सभी फाइटर्स और हमारे सभी नए मेहमान जो इस क्राउन डायमंड सेलिब्रेशन शो का हिस्सा बने हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा हम सबके गुरु मिस्टर महिपाल सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और आशीर्वाद हम सभी को दिया, मिस्टर शिव कुमार सर का, जिनके मार्गदर्शन से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी पूरी टीम और जितने भी लोग आज इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। सभी नए डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स का मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूं। और दोस्तों इस सेलिब्रेशन शो में आप सभी लोगों का जो योगदान रहा उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए दोस्तों आज के इस वेबिनार को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और ये कार्यक्रम रेगुलर जारी रहेगा, आप भी बड़ी अचीवमेंट्स के साथ आइए, आपको भी यहाँ से प्रमोशन दी जाएगी। और इसी के साथ आज के इस वेबिनार को दोस्तों हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।